हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्याना वस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणाः देवायत स्मे नमः वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने करारविंदे न पदारविंदम मोहकारविंदे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदे जिहवे पिबत्स्वा अमृत में ते गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए मैं भगवते वासुदेवाय जय जय श्री
राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माकन चोर, जय जय माकन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। सब ठीक हो? परम सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इससे भी बड़ी बात कि इस अवसर में आप सब अपना कीमती समय निकालकर दूर दूर से कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सब बहुत बिजी हैं, अमेरिका आप ही चलाते हैं, सारा वहीवट आपके हाथों में होता है। सो बहुत सुंदर आप लोगों को देखकर ही मेरा मन भर गया। कई दिनों के बाद हमारे अपने प्रिय भक्त, हमारे एक रस एक स्वभाव एक मूड के भक्त एक साथ मिले हैं, तो हृदय में बड़ा आनंद आता है। होता है ना, कभी कभी अपने टाइप की कोई सखी मिल जाए तो नहीं रात भर चर्चा करते हैं। सो वैष्णव बहुत सारे होते हैं, डिवोटी भी बहुत सारे होते हैं, कृष्ण के भक्त भी बहुत होते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वालों में समान भाव के भक्त मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। सो लगभग एक स्वभाव के भक्त बैठे और भगवान मिला ही देते हैं। एक स्वभाव के भक्तों को, जिसको शराब पीने का शौक होता है, भगवान उसे शराबी से मिला देते हैं। दो पांच मिल ही जाते हैं, चल यार पेट बना। जिसको ज्ञान का शौक होता है, भगवान उसे ज्ञानियों को मिला देते हैं। जिसे प्रभु से प्रेम करने का शौक होता है, भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों को मिला देते हैं। सही सभा में प्राय सब कृष्ण प्रेमी भक्त बैठे हैं। ये दावा नहीं कर सकते हैं कि 100% प्रेमी। यदि 100% प्रेमी होते तो आप यहां ना होते, वैकुंठ में होते। वो प्रेम की मात्रा कम ज्यादा है, और उस मात्रा को बढ़ाने के लिए ही ये सुंदर आयोजन होता है। जब मैं यहां आ रहा था तो सोच रहा था कि आप लोग भागवत कथा क्यों सुन रहे हो, और कोई काम धंधा नहीं है राकेश जी आपको? अभी अभी नई गाड़ी ली है, लोन हफ्ता भरना है। सो बहुत सारा काम होता है, हम कथा क्यों सुनते हैं? अब इसके बहुत सारे आंसर होंगे। आप लोग कथा रसिक हैं, कथा सुनते ही हैं, लेकिन कथा आप क्यों सुनते हैं बताइए। मैं आपको पर्सनली पूछूं, मधुसूदन प्रभु आप कथा क्यों सुनते हैं? माइक आपके पास है, आप बोलिए। बहुत उंडी बात मत करना, कृष्ण प्रेम बात कर रहा है, बस मुक्ति के द्वार पर खड़ा हूं मैं। मेरे ख्याल से मैं फॉर्चुनेटली राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य होने से उनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। महाराज कहते हैं कि कथा यज्ञ में जाना जैसे कि
ये जीवन को सफल करने की तमन्ना होना वो है। और यज्ञ में जाने का अर्थ है, दरअसल दो चीज उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, एक तो कृष्ण लीला एंड दूसरा कृष्ण प्रसाद। सो दोनों में हमको तो रसिक है हम, तो इसीलिए हम भागवत सुनने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इनका आंसर ये है ओवरऑल कि महाराज जी ने कहा इसलिए हम कथा सुनते हैं। नहीं यही है ना, यही आंसर हुआ ना, महाराज जी कहते हैं कि कथा सुननी चाहिए, जानना चाहिए। तो महाराज जी ने ये कहा है कि महीने में एक ही कथा सुनना, उन्होंने कहा 365 दिन सुननी चाहिए, तो चलो मेरे साथ लंदन। तभी हम लोग बोल रहे थे ना तो कि नहीं हमको तो जॉब है, तो वहां महाराज जी आपको नहीं कह रहे कथा सुनो। ओके, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन हाँ कथा सुनने की धीरे धीरे अवस्था होती है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। शुरू शुरू में हम पैसे क्यों कमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पैसे कमाने की शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि जरूरत है भाई। हम गृहस्थी हैं, खाना पीना पहनना, परिवार को रखना, ये जरूरत है, ठीक है। हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं, चलो भाई डॉलर क्यों कमाते हैं, है? क्योंकि उनकी जरूरत है, जीवन चलाना है। लेकिन पैसे कमाते 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 हमने इस जीवन में खर्च कर सके, आने वाले 10 जन्मों में खर्च सके उतना कमा लिया, फिर भी क्यों कमा रहे हैं? शुरुआत क्यों की थी, जरूरत है। लेकिन जरूरत तो खत्म हो गई ना, अभी आप खा सको, आप खाते तो हो नहीं, डायबिटीज लेकर बैठे हो केवल हमें खिलाते हो, खुद तो खाते नहीं है, खाना भी कम, जो आज के मॉडर्न युग में कपड़े पहनना भी कम कर रहे हैं, पहनना भी कम, खाना भी कम, तो ऑलमोस्ट हम लोग इस जीवन में जीवन चल जाए, हमारे बच्चों के जीवन चल जाए उतना तो कर लिया, फिर भी हम रोज सुबह उठकर निकल पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि पैसे, शुरुआत में हम पैसे कमाते थे क्योंकि जरूरत थी, लेकिन वो करते 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 हमें पैसों से प्रेम हो गया, अभी जरूरत नहीं है आपको। आप अभी जो कमा रहे हो ना, आज की डेट लिख लीजिए, आज के बाद जितना भी कमाओगे बैंक में पड़ा रहेगा, आप उड़ जाओगे, वो सब यहीं पर पड़ा रहने वाला है। क्योंकि चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, बोलिए जोर से, बराबर बोलिए टोन में, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रहे कफन में जेब नहीं होती। अभी आपके उसमें 2 जेब 4 जेब 6 पॉकेट 8 पॉकेट होंगे, लेकिन जीवन का अंतिम कफन लगेगा उसमें जेब नहीं होगी। सो पैसे कमाना बुद्धिमानी है, अच्छी बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं जरूरियात को हम अपना जीवन न बना बैठे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पैसा जो है ना जीवन जीने के लिए होता है, लेकिन हमने पैसे को ही जीवन बना दिया है, मतलब आप लोगों ने नहीं, मैंने पैसे को ही जीवन बना लिया, जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत है। So, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था, हम शुरुआत करते हैं क्योंकि जरूरियात है, लेकिन जरूरियात हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद भी 2 के 4 4 के 8 में ही पड़े हैं, इसका अर्थ यह है कि पैसों से प्रेम हो गया है। अब वो एग्जाम्पल यहां फिट होगा, हम कथा क्यों सुनते हैं, हम कथा सुनना शुरू करते हैं क्योंकि हमें पवित्र होना है, शुरुआत यहां से होती है। हम कथा सुनना शुरू करते हैं क्योंकि मन में बहुत अशांति है, बहुत चिंता है, टेंशन है, लेकिन कथा सुनते हैं तो सब ठीक हो जाता है। कामनाओं से मुक्त होने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए हम कथा सुनते हैं, और धीरे धीरे कथा सुनते सुनते
हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो शुद्धि के लिए कथा सुन रहे थे ना, शुद्ध हो गया, दैट्स इट। फिर भी आप कथा सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि शुरुआत किया था कथा सुनना चित्त को, मन को शुद्ध करने के लिए। अब चित्त और मन शुद्ध हो गया, फिर भी आप कथा सुन रहे हो, अर्थात आपका कथा से और कृष्ण से प्रेम हो गया है। अब मनी से प्रेम है कि माधव से प्रेम है, वो अपने घर पर जाकर सोच लीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना दूर दूर से आप सब लोग आते हो, हमारे समधी जी एटलांटा से आए हैं ना, अशोक जी के समधी जी एटलांटा से आए, दूर, इतने दूर दूर से आना, आप सब बिजी हैं, अपना समय निकाल कर आना, इसका अर्थ आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं कृष्ण से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है। सो उस प्रेम को बढ़ाने के लिए अब हमें रुकना नहीं है, वो प्रेम की ज्योत जल चुकी है, लेकिन उसे हमें बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है और उस लेवल तक लेकर जाना है कि एक सेकंड भी यदि कृष्ण का स्मरण न हो, एक सेकंड के लिए भी कृष्ण कथा न हो, तो चित बेचैन हो जाए। जब ऐसी अवस्था आएगी तब प्रभु प्राप्ति समर्थ हो पाएगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु कब मिलेंगे? प्रभु तब मिलेंगे जब प्रभु के बिना आप एक सेकंड भी नहीं रह पाओगे। अभी तो क्या है ना, भगवान मिले ना मिले, कभी मंदिर गए दर्शन बंद है तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा हुआ चलो प्रणाम करने की झंझट मारी गई, खुला होता तो झुकना पड़ता है। ये प्रेम नहीं है। सुबह सुंदर में आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब भक्त बड़े दूर दूर से आए हैं इस कथा का श्रवण करने के लिए, और हमारे अशोक प्रभु और आशा माता जी ने तो, आप जानते हो ये कौन सी कथा कही इन्होंने अभी, मुझे मेरी कथा याद नहीं, 396 ये 396 कथाओं में जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, जितने भी यजमान थे खास करके भारत को छोड़कर, तो उन यजमानों ने जिन्होंने कथा ऑर्गेनाइज की, ऑर्गेनाइजर ने लोगों को आमंत्रण दिया, क्या दिया, क्या दिया, लेकिन हमारे अशोक जी और आशा माता जी ने इस कथा को सुनने के लिए आमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण दिया है। कुछ लोग कहेंगे क्या फर्क है दोनों में, क्योंकि हम लोग छोटे स्टेशन लेते ही नहीं है ना, हम लोग तो बड़े बड़े स्टेशन पर ही गाड़ी रुकती है। अब आप कहते हो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है, बहुत जमीन आसमान का अंतर। अन्य जगहों पर कथा में क्या होता है, आमंत्रण, लेकिन अशोक जी ने आमंत्रण नहीं, क्या दिया है, निमंत्रण। फर्क क्या है दोनों में बताओ, जानना चाहोगे? छोटा स्टेशन नॉन स्टेशन ले उसे। सो आमंत्रण, जैसे कि मधुसूदन प्रभु यहाँ होस्ट है, माइक से बोलते हैं, किसी का नाम लेकर कहे कि प्रद्युम्न प्रभु आप स्टेज पर आओ, हम प्रद्युम्न प्रभु को आमंत्रित करते हैं कि स्टेज पर आइए और प्रभु जी से माला ग्रहण कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रद्युम्न प्रभु को स्टेज पर बुलाया जा रहा है, माला देकर छूटा, फिर वो खाए पिए बैठे कहां जाए उसका कोई हमारा लुकआउट नहीं है। आमंत्रण में क्या होता है, जस्ट आप आओ सुनकर जाओ, लेकिन निमंत्रण में क्या होता है, सारी जिम्मेदारी, आप आइए बैठिए खाइए, यदि दूर से आते हो तो हमारे वहां रहिए, इसे कहते हैं निमंत्रण, मतलब पूर्ण जिम्मेवारी के साथ। भाई संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आदमी पूर्ण रूप से नहीं निभाता, लोग उसे भागने का प्रयास करते हैं,
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अशोक जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने बड़े हृदय से लोगों को निमंत्रण दिया कि आप निकट रहते हैं अवश्य आइए, दूर रहते हैं तो हमारे वहां रुकिए, और इनके घर पे यहाँ भागवत यज्ञ चल रहा है, इनके घर पर प्रसाद यज्ञ चल रहा है। प्रसाद का धुआं मैंने तो बंद नहीं देखा, मैं दो दिन से हूं। सब बहुत सुंदर है। अमेरिका जैसे देश में रहकर इतना समर्पण, इतना भाव बहुत कम लोगों में होता है। वास्तव में ये परिवार बहुत सौभाग्यशाली है, कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों की पुणाई है, उनके संस्कार है कि जिससे इनका भागवत के प्रति, भक्तों के प्रति सुंदर प्रेम है, सेवा की सुंदर भावना है। नहीं तो सोचिए, अचानक घर पर दो तीन लोग आ जाए तो घर वाले परेशान हो जाते, क्या करें। और यहाँ तो पूरे भंडार खोल दिए गए हैं। सो बहुत सुंदर, मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा अशोक जी, आशा माता, उनके पूरे परिवार को। और उससे भी अधिक धन्यवाद, इन्होंने कितना भी अच्छा आयोजन किया होता लेकिन आप लोग आए ही ना होते तो मैं और अशोक जी दोनों आपने सामने तो कथा की शोभा भक्तों से है, अतिथियों से है। सो आप सब लोगों ने यहाँ आकर इस कथा की शोभा बढ़ाई। अब मैं मधुसूदन प्रभु को निवेदन करूंगा कि आप खड़े होकर सबका नाम लीजिए और सबका स्वागत कीजिए। और जिनका नाम लिया जाए हम लोग हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलेंगे, ठीक है। Actually, I wanted to welcome everybody. There are so many people came from so far, far distance. One of the main devotee came from Poland. Yeah, very good. From Poland. मैं इनका परिचय में दूंगा। इनकी पत्नी जो है क्रिश्चियन है, ये मुझे, हम लोग बैठे थे, क्रिश्चियन है ना, तो और ये वैष्णव है। तो मैंने कहा बच्चे को क्या समझूं मैं, बताओ हमारे जो बच्चे हैं। सो खड़े हो जाइए, आपका दर्शन दीजिए सबको। ये स्पेशल पोलैंड से डायरेक्ट यहाँ आए हैं 7 दिन के लिए भागवत कथा सुनने के लिए। हरिबो। सो मैंने प्रदुर प्रभु से पूछा ते यू कमिंग मोर ऑफन ओवर हियर इन द यूएस, आई मीन यू जस्ट केम फॉर द भागवत कथा। ही सेड यस प्रभु, आई ओनली केम फॉर द भागवत कथा। एंड व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। सो दैट इज, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। वी हैव आल्सो जगदीश प्रभु एंड प्रेमलता माताजी ऑल द वे फ्रॉम शिकागो। They go like 10, 11, 12 hours or whatever, but they are here just for the Katha. And I really appreciate Hare Krishna Prabhu. Quite lot of devotees came from Washington, D.C. And I can say some of the name I remember, like Shyam Krishna Prabhu. We have Varishth Bhakta, Gopal Krishna Maharaj Goswami ke Bhakta hai, I mean, Shishya hai, wo bhi idhar aaye hai. Shyam Krishna Prabhu ka, maine dekha hi nahi. हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। वी हैव अमी आत्मा प्रभु, ही इज फ्रॉम वॉशिंगटन ऑल्सो। हरे कृष्णा। वी हैव किरीट प्रभु, डॉक्टर किरीट प्रभु, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ऑल द वे लाफनाटा, विच इज सेम वेयर द श्याम कृष्ण प्रभु सिटी। सो ही इज ऑल्सो केम फ्रॉम वॉशिंगटन। हरि बोल। We have the our, I should not say my family, but it's all my family. But our close family, Natwar Bhai Langnoja, Subhash Bhai, is all from Washington. Lata Ben Langnoja and their family. Also, Adodaksh Prabhu, I can see, is from very not too far, maybe about couple hours. But I'm very happy to see after so many years, of course. But I really. You know, appreciate that Prabhuji is over here. We have, I'm sorry, I forgot the Delaware. Ashwin. Ashwin Prabhu. Hare Krishna. Ashwin Prabhu, pura family ke saath aaye hai. So I wanted to welcome you also. And there are so many people, I'm sorry, I don't remember everybody, but
हाँ पार्वती माता जी एंड प्रभु जी द होल फैमिली इज ओवर हियर फ्रॉम ऑल द वे टू द साउथ कैरोलिना शार्लोट सो दे आर ऑल आल्सो ओवर हियर राकेश प्रभु एंड हिज होल टीम वी हैड डन द यू नो दे डिड द आयोजन ऑफ द वन ऑफ द कथा एंड दे ऑल ओवर हियर And I appreciate everybody came over here. So I'm sorry I did not catch everybody's name, but I really appreciate and thank you so much for everybody to come over here and having the association providing us so we can improve in our bhakti and the Krishna Katha. Sanjay Prabhu from all the way to the Canada. That is also very impressive and I really appreciate everybody. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much. And I don't want to forget, but Lal Govind Prabhu also from all the way to the Atlanta, 12-hour driving, and he said that he didn't drive. Florida. So that is also I appreciate Prabhuji and having us giving the opportunity. Thank you so much. और हमारे प्रिय मित्र स्नेही विपुल प्रभु विपुल मालविया न्यूजर्सी से आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार उनके माता पिता कहाँ हैं उबाधवन पापा जय हो स्वागत हम सो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हैं सो श्रीमद् भागवत कथा हम सब प्रारंभ करें इसके पूर्व भगवान भागवत तो यहाँ पर विराज चुके हैं अब हम भगवान को विराजमान करेंगे और भगवान कैसे विराजते हैं भगवान कैसे आते हैं कौन कहते हैं भगवान आते हैं ना भगवान लेकिन मीरा बाई की तरह तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं है ना वो तो आने के लिए ही बैठे हैं वो तुरंत आ जाएंगे लेकिन प्रेम से पुकारते नहीं है राम अवतार में जब पृथ्वी पर संकट बढ़ा रावण का अत्याचार चला सारे देवता एकत्रित हुए और मीटिंग करने लगे कि भगवान को हम बुलाए भगवान की जरूरत है लेकिन भगवान कैसे आएंगे तो सब लोग अपने अपना मंतव्य देने लगे हिमालय में जाकर तप करेंगे यहाँ ये करेंगे वो करेंगे तब देवाधिदेव महादेव ने बहुत सुंदर बात कही हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि भगवान सभी जगह पर व्याप्त है सभी जगह पर उपस्थित है परंतु उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा भगवान तो सब जगह पर है लेकिन उस भगवान को प्रकट करने के उनकी अनुभूति करने के लिए उनको प्रेम से पुकारना होगा कैसे पुकारना होगा प्रेम से और इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा नारद जी को यत्र गायंति मद भक्ता हे नारद जहां पर मेरे भक्त गाते हैं कीर्तन करते हैं भक्त साथ में मिलकर नाचते हैं गाते हैं तत्र तिष्ठामि नारद मैं वहीं पर प्रकट होता हूं सुभागवत जी विराजमान है अब प्रभु को विराजमान करने के लिए दो पांच मिनट प्रेम से कीर्तन करेंगे गाएंगे हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मुझे कल रति मंजरी माता और मधुसूदन प्रभु कह रहे थे कि इसी स्थान पर राधा गोविंद महाराज ने कथा की थी 2006 में बताइए आप कभी
सफारी में गए हो? सफारी शेर देखा कभी? सिंह देखा? ये मधुसूदन प्रभु इस साल भारत यात्रा में गिर लेकर जाने वाले हैं। मैं भोजन कर रहा था आज और थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि चलो गिर चलो सिंह देखने के लिए। मैं मन में कुछ बोल रहा था, मतलब गिर से सिंह तुम्हारे घर पर आए उसको ही देख लो ना। तो थोड़ा कह रहे थे गिर चलो के। लेकिन अब तो क्या है ना, मन का एक अभ्यास हो गया है, चिंतन 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 चिंतन। अभी आप गिर में जाओगे ना, ये लेकर जाएंगे आपको सिंह देखने मिलेंगे, यदि आपका सौभाग्य होगा तो। सिंह थोड़ी के घड़ी लेकर आता है कि चलो भाई ये आए हैं तो दर्शन देंगे हम। वो तो बादशाह है ना, वन का राजा, ना अभिषेक हो उसका कोई, ना अभिषेक है, ना इलेक्शन है, ना सिलेक्शन। वो तो राजा है, स्वतंत्र है। आप यहां से कितनी मेहनत करके जाओ, दर्शन मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं भी मिला, है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि वो सफारी वाले जो होते हैं ना, वो आपको वो जीप में बिठा कर लेकर जाते हैं, फिर दिन भर घूमते हो सिंह देखने, कभी कभी वो देखने को नहीं मिलता। तो फिर वो हमारे मन को कैसे मनाते हैं जानते हैं? देखो ये जो चरण चिन्ह है ना, ये सिंह का चरण अभी यहां से गया है। हम लोग थोड़े से लेट पड़ गए, ये जो उसके पांव के छाप जो है अभी गए। तो फिर हम लोग खुश हो जाते हैं, हाँ देखो हाँ यहाँ अभी यहाँ से गया। या फिर सिंह जहां बैठा होता है तो माटी पर उसके बैठने के चिन्ह होते हैं, तो सिंह चला जाता है लेकिन उसका चिन्ह रह जाता है, ठीक है। वैसे मेरे गुरु 2006 में यहाँ कथा करके चले गए लेकिन अपनी भक्ति प्रेम यहाँ छोड़ कर गए हैं, और इसीलिए इस धरती ने हमको यहाँ बुलाया है, इसे पनपाने के लिए है, अपने आप को पवित्र करने के लिए है। हम अशोक जी के घर पर हैं कल रात से ही, तो उनके घर से इतना बड़ा पर्वत है, लगता है गोवर्धन का बाप यहाँ बैठा है। आजकल हमारा गोवर्धन 22 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा पर्वत है। तो आज दोनों दंपति हमारे साथ थे, मैंने कहा कि क्या सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा हमारे यजमान तो ऐसे होते हैं कि आप जो भी सुना दो। मैंने कहा मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मैंने कहा आपके घर में यदि मैं कथा करता ना तो आप, मैं आपको ना पूछता, मैं गोवर्धन की कथा करता, क्योंकि आपका घर गोवर्धन की तलेटी में ही है। लेकिन कथा हरि मंदिर में है, सो आप बताइए क्या सुनना चाहोगे। तो अशोक जी तो फिर भी है, लेकिन अशोक जी की धर्म पत्नी आशा माता बोले हम कृष्ण की सारी लीला सुनना चाहते हैं, कृष्ण की सारी लीला सुनना चाहते हैं। मैंने कहा तो मैं भी वो रस मलाई और गाजर का हलवा खा के बैठा था, तो मैं भी फॉर्म में था। तो इन्होंने जब कहा कि हम कृष्ण की सारी लीला सुनना चाहते, मैंने कहा ओके। जब से अराइव हुए हैं और डिपार्ट हुए 128 वर्ष तक, कृष्ण ने जो जो किया वो कहकर ही व्यासपीठ को छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ये रसमलाई और गाजर का हलवा खाकर मैंने बोल दिया, फिर 1.5 घंटे से मैं चिंता में हूं कि मैंने अब संकल्प कर लिया, वादा कर लिया, मैं कभी एक लीला भी पूर्ण नहीं कर पाता हूं 7 दिनों में, और इनको पूरी कृष्ण लीला का संकल्प हमने कर लिया। लेकिन हाँ, ये संकल्प है, इसे पूर्ण करना कराना प्रभु के हाथ में है, लेकिन लगभग पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कथा कहने की 2 विधि होती है, जो एक्सपर्ट वक्ता होते हैं वो दोनों विधि से कथा करते हैं, एक है व्यास दूसरी है समास। कथा का व्यास किया जाता है, कथा के अंदर कथा, उसमें कथा, उसके एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन समझना, इसे कहते हैं कथा का व्यास, विस्तार। और कभी कभी श्रोताओं को देखकर के बेसिक नॉलेज है, कुछ लीला जानते हैं, तो उनके कुछ मुख्य पॉइंट, कुछ सार गर्भित बातों को कहकर
आगे चला जाए, इसे कहते हैं समास, संक्षिप्त में। तो दोनों विधि से यदि हम चले व्यास और समास विधि से, तब तो कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम की पूर्ण लीला का हम लोग श्रवण कर पाएंगे। तो आशा माता का प्रस्ताव, मेरा संकल्प आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, 25% लोगों ने ही ताली बजाई है। हुआ। ठीक ठीक सो ठीक है ना, ये विषय, ये सब्जेक्ट है हमारा कृष्ण लीला अमृत, ये ठीक रहेगा? कौन से नंबर की कथा है प्रभु? 396 नंबर की कथा का विषय है कृष्ण लीला अमृत। कृष्ण लीला अमृत, श्री कृष्ण लीला अमृत की। सो भगवान श्री कृष्ण की लीला। अब कृष्ण कृष्ण 7 दिन कृष्ण कृष्ण ही होगा। अब हम यहां बैठकर कितने सौभाग्यशाली हैं, कुछ लीला हम ऐसी सुनेंगे जो नंद यशोदा भी नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण ने कुछ लीला मथुरा में की, द्वारिका में की, जो नंद यशोदा को नहीं पता। कुछ लीला हम ऐसी सुनेंगे जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी भी नहीं जानती है ना। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण की समस्त लीलाओं का श्रवण व्यास और समास विधि से सुनेंगे। अब क्योंकि आज प्रथम दिन है, यदि इस प्रकार से मैं चलूं तो आज ही कृष्ण का जन्म और उत्सव बनता है, लेकिन आपको पहले से मैसेज नहीं मिला तो हम जन्म तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जन्म होगा बाद में लीला करेंगे ना। सो पहली कृष्ण लीला में कृष्ण की प्रथम लीला होगी कृष्ण जन्म लीला, उसके बाद लीला होगी नंद उत्सव लीला, ये सब लीलाएं शुरू होगी, और फिर पूतना उद्धार लीला, फिर षट्टासुर, फिर तृणावर्त, फिर आगे आगे बहुत सुंदर। फिर माता जी, तो मुझे, मैंने मन में कहा कि आप ही कथा कर दीजिए ना, वो मुझे बोल रहे थे कि आप वेणु गीत भी कर दीजिएगा, गोपी गीत भी कीजिएगा, ये कीजिएगा। बहुत सुंदर भाव, हम जब ऐसे श्रोताओं का इस प्रकार से भाव सुनते हैं, जिज्ञासा देखते हैं, तो हृदय में आनंद आता है। सो आइए, अब विषय भी तय हो चुका है, स्थान की भी बड़ी महिमा, हरि मंदिर, और हरि मंदिर में हरि कथा है? और वैसे गुरु महाराज की तरह तो हम कथा कभी नहीं कर सकते, कहां उनका भाव उनका, लेकिन हाँ, हम उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए उनका अनुगमन करते हुए, उनकी चंद बातों को स्मरण करते हुए, बीच बीच में मैं वो भी सुनाता जाऊंगा, इन 7 दिवसीय कथा को हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले 2-5 मिनट के लिए भगवत हरिनाम संकीर्तन, जय राधा माधव, ठाकुर भक्ति विनोद की ये रचना है, ये सुंदर भजन श्री प्रभुपाद जी ने अपने प्रत्येक प्रवचन और कथा में ये कीर्तन, ये भजन गाया, और उसी का अनुगमन करते हुए हम लोग करते हैं। ठीक है, पोथी यात्रा हुई, उसमें आपने कीर्तन किया लेकिन नृत्य नहीं किया, ठीक है? तो अभी सब लोग खड़े हो जाइए, भाव से नाचते हुए हम सब कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जन बल्लभ गे
Krishna, Hare Krishna,
Thank you.
सो रोज कथा के बीच में इस प्रकार से हम सब कीर्तन करेंगे ताकि कुछ भक्तों को नींद आ रही हो तो उड़ जाए, किसी के चरणों में कष्ट हो रहा हो तो दूर हो जाए। कीर्तन के दौरान जिसको जल पीना है बाहर जाके पी ले, और भी फोन में कुछ बात रह गई हो तो, पत्नी की याद आई हो तो आई लव यू कह के आ जाए। संजय भाई गए थे शायद, कहने गए थे क्यों भाई क्या श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण लीलामृत। कृष्ण लीला क्यों? आखिर मनुष्य को या किसी भक्त को या किसी वैष्णव को कृष्ण लीला क्यों सुननी चाहिए? है? कृष्ण कथा सुनने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, क्यों क्यों कृष्ण कथा सुननी चाहिए? कृष्ण कथा सुनने से पहले महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, श्रीमद् भागवत जी में सब कुछ है। भागीरथी गंगा के तट पर परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 3 दिन और 3 रात बीत गए। चौथे दिन की सुबह श्री सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले, उनके पहले महाराज परीक्षित ने कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की, जैसे आज आशा माता और अशोक प्रभु ने की। इनकी प्रशंसा करने का मेरे पास कोई मतलब मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरे हृदय के भाव है। बाकी ये जीवन तो मैंने केवल और केवल कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए ही रिजर्व कर दिया है, ये जीवन तो कृष्ण के लिए दे दिया है। लेकिन हाँ, जो लोग कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं, और न केवल जिज्ञासा, उसके लिए अगाह मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वास्तव में वह भक्त है, धन्यवाद के पात्र है। वेद और शास्त्र भी उनको भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं। गोपियों ने कहा भूरी दाजना, कृष्ण कथा सुनाने की जो व्यवस्था करता है समाज का सबसे बड़ा दानी नहीं, वो महादानी है। क्योंकि दानी तो कुछ रुपये पैसे भोजन पानी कंबल देकर छूट जाता है, लेकिन कृष्ण कथा देने वाला और कृष्ण कथा का आयोजन करने वाला शरीर का नहीं जीव की आत्मा का पोषण करता है, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करके सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त करा देता है। सो कृष्ण कथा गाने वाले, इसका आयोजन करने वाले की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना हूं धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। लेकिन फिर भी मन में यदि प्रश्न हो कि कृष्ण कथा क्यों, मुझे अब तो मैं अब ज्यादा उसमें नहीं जाता, बेसिक नॉलेज में मैं ज्यादा अभी नहीं जाता, मूड भी नहीं करता। कृष्ण कथा नहीं तो क्या न्यूज़पेपर से कोई कथा की जाए, बताइए। करने लायक तो कृष्ण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग कहते नहीं प्रभु आप मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओ ना, आप इतना अच्छा बोलते हो, मुझे भी चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत चढ़ा देते हैं, मैंने तो ट्राई भी मारी तो फायदा नहीं आता। मोटिवेशनल बन जावा, मोटिवेशन मैंने क्या सार खोजा? सुनिए, आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं।
आपको कहा जाए कि आपके पास थोड़ा समय है, मतलब इतने समय में, वो जो पर्वत है ना आपके घर के पीछे, वहां इतने समय में आपको पहुंचना है, और दो चीज हमारे पास है, उसमें से एक चीज ले लो और जाओ जल्दी। एक है घड़ी और दूसरा है गूगल मैप। आप क्या लोगे? आपको कहा जाए 20 मिनट में अशोक प्रभु के पीछे जो जो पर्वत है उसको छूना है, जल्दी भागो यहां से। दो चीज है, इसमें से एक ही मिलेगी, घड़ी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में पहुंचना है ना, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, घड़ी चाहिए कि गूगल मैप चाहिए? आप क्या लोगे? घड़ी वाले कितने हैं? तीन लोग घड़ी वाले हैं। अरे भाई, आपके पास कितनी भी अच्छी घड़ी हो लेकिन आपको एड्रेस ही ना पता हो तो पहुंच पाओगे? इसका अर्थ क्या हुआ? समय से भी अधिक महिमा है दिशा। जब आपको दिशा का ही भान नहीं है, दिशा का ही ज्ञान नहीं है, तो मोटिवेशन आपको क्या करेगा? आप 100 की स्पीड में दौड़ रहे हो लेकिन दिशा ही नहीं पता है तो गंतव्य पर नहीं पहुंच पाओगे। सो मोटिवेशन के साथ साथ, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन सबसे पहले दिशा को तय करना, और दिशा भी तब तय होती है जब जीवन का लक्ष्य तय होता है कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल अच्छा अच्छा भोजन करना ही जीवन का लक्ष्य? ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। शादी करना, खाना पीना, सोना, क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? पशु भी ये सब कर लेते हैं। आखिर भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य बनाया, इतना सुंदर जीवन दिया, क्यों? लक्ष्य। और जब वो लक्ष्य मिल जाए तब हम उस दिशा की ओर आगे दौड़े। और इसमें सो कृष्ण लीलामृत हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। अब ये कथा, इसके बाद एक कथा है गौर पूर्णिमा की, और उसके बाद हम क्रूज में कथा करेंगे। वहां मुझे कथा करनी है कृष्ण चरितामृत। अब आप कहोगे इसमें क्या फर्क है? कृष्ण लीलामृत और कृष्ण चरित, आपने सुना होगा राम जी की जो कथा है उसको क्या कहते हैं? रामचरितमानस, राइट? लेकिन कभी आपने ये सुना कृष्ण चरितमानस? बहुत कम सुना होगा, कुछ लोगों ने कहा है। अब लीला में और चरित्र में क्या फर्क है? मैंने पहले ही कहा छोटे स्टेशन तो आप लेते ही नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। लीला वो है जो भगवान ही कर सकते हैं, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। और कृष्ण ने ज्यादातर ऐसी लीला, ऐसे कर्म किए जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, वो भगवान ही कर सकते हैं। 6 दिन में पूतना को मारना, ये कोई साधारण मनुष्य का काम है? 5 साल की आयु में गोवर्धन धारण करना, ये कोई साधारण आदमी कर सकता है? कालिय के ऊपर नाचना, आप रात को घर पर सोए और कोई कहे कि आपके बेडरूम में मैंने सांप देखा था, जरा देख लीजिएगा, सो पाओगे? पर ये बंदा सांप के ऊपर नाचता है, नाचने का जो सांप के ऊपर ही सोता है। शांताकारम भुजंग शयनम, भुजंग के ऊपर सांप के ऊपर सोता है और फिर भी कैसा है? शांताकार, शांत आकार। पर आपको सांप के ऊपर सोना नहीं, आपके बेडरूम में कोई सांप डाल दे फिर शांत रह सकते हैं? इसे कहते हैं लीला, भगवान। ओके, तो कृष्ण लीला, लीला माने ऐसे कार्य जो भगवान के ही बस में। 16,108 पत्नियों को रखना, इसे आप लीला कहोगे कि चरित्र कहोगे? चरित्र तो राम का है कि एक पत्नी व्रत धरा, समझे ना? सो कृष्ण की लीला है, राम का चरित्र है। लेकिन हां, कृष्ण ने भी कुछ लीलाएं की है जो मनुष्य उसका अनुगमन कर सकते हैं।
जैसे द्वारिका में कृष्ण ने बहुत सारी ऐसी लीला की, इवन मथुरा में। तो मेरा थोड़ा माइंडसेट ये हुआ कि यहाँ माता जी ने कहा कि लीला सुनाइए, तो आगे आने वाले दिवसों में मैं चरित्र सुना रहा हूँ, कृष्ण में चरित्र जो फॉलो किया जा सके हमारे द्वारा। खैर, सो कृष्ण लीला हम लोग सुने, लेकिन प्रश्न ये है कृष्ण लीला क्यों। तो श्रीमद् भागवत कथा के भागीरथी के तट पर चौथे दिन महाराज परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मैं अब उन राजा महाराजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। मनु सुखदेव जी ने कहा होगा कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहते हो, इसमें से भी कोई दो तीन माता आएगी, आशा माता को चोटका भरेगी, तूने कृष्ण कथा क्यों कहा, तुझको ये बोलना था ये बोलना था, अब केवल कृष्ण कथा ही होगा शायद। कृष्ण कथा की क्या महिमा है, जबरदस्त परीक्षित महाराज तो परीक्षित है, उन्होंने कृष्ण कथा सुनने की महिमा बताई। बोले इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है उसको तीन भागों में बांटा जाए, मनुष्य को कैटेगराइज किया जाए, तो एक हो गए मुक्त। मुक्त माने क्या, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ऋषि मुनि होते हैं ना, साधु संत ऋषि मुनि, संसार से बिल्कुल, संसार में वो है लेकिन संसार से कुछ उनका लेना देना नहीं है, मुक्त है। उसके नीचे आते हैं जो मुक्त है नहीं लेकिन मुक्त होना चाहते हैं, उसको कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? और वो कौन है? आप कौन है? हम लोग, हम लोग मुक्त नहीं है, आप लोग शायद कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम लोग मुक्त नहीं है, मुक्ति चाहते हैं। ओके, उसे कहते हैं मुमुक्षु, और जो मुक्त हो चुके हैं उसे कहते हैं मुक्त जीव। और उससे भी नीचे थर्ड क्लास के थर्ड कैटेगरी में कौन आते हैं? विषयी, जिसको मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं, मुमुक्षु का कोई ज्ञान नहीं, वो केवल संसार के विषय भोगों में ही सुख खोजते हैं। बस नया आईफोन मिल जाए तो राजी राजी खुश खुश, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, बस हो गया, इसी जीवन का यही लक्ष्य है। अच्छा साइट सीन हो जाए, अच्छा घूमना फिरना हो जाए, इसी में पड़े हैं। उसे कहते हैं विषयी। विषयी माने संसार के विषय भोगों से जो सुख की कामना करता है वो विषयी जीव, 99% वही है। लेकिन परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, कृष्ण लीला जो है ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए काम की वस्तु है। जो मुक्त हो चुके हैं संसार से, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो कृष्ण कथा जीवन है, उसके लिए तो कृष्ण कथा ही जीवन है। वो लोग कृष्ण कथा के बिना जी नहीं सकते, एक पल भी कृष्ण कथा ना मिले तो मचल जाए, जो मुक्त जीव है। उसके नीचे आते मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए कृष्ण कथा अमृत है। क्या है? अमृत है। अभी आप देखो, अभी आप लोग जो सुन रहे हो ना, तो लगता है अमृत पी रहे हैं हम लोग, लगभग 90% ये रिजल्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक बंदा भी सो नहीं रहा है। ये तो प्राय हमारा माइंडसेट ही होता है, यहां पंडित जी शुरू करेंगे यहां हम सोना शुरू करेंगे। पंडित जी बोलेंगे इति श्रीमद् भागवते महापुराण पंचम अध्याय समाप्त, शंख बजेगा तो थोड़ा सा जग जाएंगे, पानी पीकर फिर सो जाएंगे। मुमुक्षु, मुमुक्षु जीव के लिए कृष्ण कथा अमृत के समान है, अमृत। एक बात कहें, कृष्ण कथा का रस जिसने चख लिया ना, फिर उसे किसी में भी रस नहीं आएगा, किसी में कोई वस्तु में उतना आनंद उतना रस नहीं आएगा, क्योंकि ये अमृत है हम जीवों के लिए। गुरु महाराज ने 2006 में यहां पर
ध्रुव चरित्र पर कथा कही थी, है ना? सो ध्रुव महाराज की कथा गुरु महाराज ने कही। सो उस समय गुरु महाराज ने निवेदन किया कि भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव की 6 महीने की तपस्या, कितना सैक्रिफाइस, एक 5 साल का बालक, माँ बाप सब कुछ छोड़कर घोर वन में जाकर बिना खाए पिए तपस्या किया और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने ध्रुव को कहा, बेटा ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब ध्रुव क्या कहता है, एक टेस्ला दे दो, एक अशोक जी जैसा घर दे दो, क्योंकि मैंने बड़े से बड़ा इसका घर देगा, एक ऐसा घर दे दो, हम तो ऐसा लिस्ट। धन्य है ध्रुव, 5 साल का लड़का है, 6 महीना तप किया है, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन प्रभु ने, प्रभु कहते रहेंगे ध्रुव अरे बेटा मांगो मांगो, हरि भक्ति सुहोदय। ध्रुव महाराज कहते हैं, स्थाना भी लाशी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्त त्वां देह मुनिंद्र गुह्यम क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न यांचे। महाराज ऐसे तो मेरे हृदय में बहुत कामना थी, मेरे मन में बहुत इच्छा थी प्रभु, लेकिन आपकी भक्ति का प्रभाव जबरदस्त है। मैं 6 महीना आपकी भक्ति किया और 6 महीने आपकी भक्ति करके अब मेरे मन में हो रहा है, मेरी सारी इच्छा ही समाप्त हो गई, जो थोड़ी बहुत इच्छा बची थी वो इच्छा ही चली गई। आज जब मैं मुड़कर देखता हूं तो अपने आप पर मुझे घिन आती है कि अरे रे, मैं घर से निकला था एक शीशे के टुकड़े के लिए, कांच के टुकड़े को खोजने चला था, लेकिन आज भगवान कृष्ण भगवान विष्णु रूपी हीरा मिल गया। प्रभु मैं तो निकला था शीशे के टुकड़े की खोज में, परंतु मुझे हीरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि जिसको हीरा मिल जाए वो शीशे का टुकड़ा क्या मांगेगा। मुझे हीरा मिल गया महाराज, हम हरि भक्तों के लिए कृष्ण कथा वो हीरा है, एक बार मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, कथा में लोग खाने के लिए आते हैं, तू खाने के लिए आता होगा, कथा में लोग अमृत पीने के लिए आते हैं, कथा में लोग खाना पीना सोना तक भूल जाते हैं। पर आपको पता भी चला 2 घंटा बीत गया, केवल 1 घंटा बाकी रहा, अब ये 1 घंटा 1 मिनट की तरह चला जाएगा। कथा कथा है भक्ता। और फिर भगवान ने कह रहे, बेटा कुछ तो मांग, क्योंकि इतिहास क्या कहेगा कि ये विष्णु ये कृष्ण किसी को कुछ देता ही नहीं है। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु आपसे एक चीज मांगता हूं, आपके आपने जिस भक्तों को चुना है प्रभु, आप जिस भक्त को प्रेम करते हो, ऐसे प्रेमी भक्त के मुख से मुझे हरि कथा मिल जाए, कृष्ण कथा मिल जाए, मैं कृष्ण कथा सुनता रहूं, मेरे जीवन में कृष्ण अमृत पीता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मुमुक्षु जीव के लिए ये कृष्ण लीला अमृत है और मुक्त जीवों के लिए कृष्ण कथा तो जीवन है। और तीसरी थर्ड कैटेगरी में कौन आता है, विषयी, संसार के विषयी भोगों में फंसे हुए लोग, उन विषयी जीवों के लिए कृष्ण कथा औषधि है, मेडिसिन है, दवाई है। आप कहोगे दवाई तो जब रोग होता है तब लेनी पड़ती है, संसार में भी हम सभी जीवों को रोग लगा है और वो रोग है बारंबार जन्म मृत्यु का रोग है। 50-60 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर से जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि जननी, ये रोग है।
ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए। निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भव औषधा छोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुगनात। परीक्षित महाराज कहते हैं कृष्ण कथा सबके लिए है। इस दुनिया में ऐसा कौन होगा सुखदेव जी आप बताइए जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। वो अंत में एक शब्द कहते हैं पशुगनात, पशु गाती कसाई हृदय के लोग पत्थर दिल लोग कृष्ण लीला नहीं सुनेंगे। बाकी कृष्ण कथा तो सब लोग सुनना चाहेंगे, कृष्ण कथा से सबका कल्याण होगा। नारद मुनि को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नारद भक्ति सूत्र, और नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने एक सूत्र लिखा संतों का दर्शन जो है ना बहुत दुर्लभ है, महत दर्शनम दुर्लभम, महान सच्चे शुद्ध संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन यदि एक बार भी वह दर्शन हो गया ना तो अमोघम, तो फिर वो राम के बाण की तरह खाली नहीं जाएगा। कृष्ण लीला शुद्ध लीला आजकल तो कहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप तो देखा होगा टीवी वीवी में कृष्ण कथा के नाम पर कुछ और ही होता है। प्योर कृष्ण लीला प्योर कृष्ण कथा बहुत दुर्लभ है, और यदि हमने एक बार भी सुन ली ना तो वो फल दिए बिना रह नहीं सकती, अमोघ वो अमोघ हो जाती है। और हे सुखदेव गोस्वामी मैं कृष्ण कथा इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि कृष्ण की हम पर बहुत कृपा है। मैंने पहले ही कहा कि ये उस प्रश्न का जवाब है कृष्ण लीला क्यों, ठीक है, तो क्यों वो सब आप नोट कीजिए। कृष्ण लीला क्यों, क्योंकि मुक्त लोगों के लिए तो कृष्ण लीला जीवन है, मुमुक्षु के लिए अमृत है और विषयी के लिए औषधि है। और कृष्ण लीला क्यों, क्योंकि कृष्ण की हम जीवों पर बहुत कृपा है। परीक्षित अपने ऊपर कहते हैं बोले हमारे ऊपर कृष्ण की कितनी कृपा, आप विचार तो करो, पिता महामय समरे मरण जये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। परीक्षित महाराज कहते हैं कि कृष्ण की हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर कितनी बड़ी कृपा। हमारे पूर्वज पांडव, परीक्षित के पूर्वज पांडव होते ना, हमारे पूर्वज पांडव दुर्योधन कितना अत्याचार किया, मारने का प्रयास किया और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में दुर्योधन की सेना कौरवों की सेना समुद्र के समान विशाल, दुरत्यई सैन्य सागरम, समुद्र के समान जिसको पार करना कठिन था, लेकिन कृष्ण कृपा से उस समुद्र की सेना को बरसाती ऋतु में गाय चलती है ना तो गाय के चरणों से कीचड़ में एक खड्डा हो जाता है ना, पर फिर उसमें पानी भर जाता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि कौरवों की दुर्योधन की सेना समुद्र के समान विशाल थी, पार करना कठिन था, लेकिन कृष्ण की कृपा से हमारे पांडव पूर्वज उस समुद्र रूपी सेना को वैसे ही पार कर गए जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते उस गाय के चरणों से बने हुए खड्डे को पार कर जाता है। कृष्ण की कृपा से। और ज्यादा तो क्या कहूं सुखदेव जी, आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं ये मेरा शरीर उस कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद ही तो है। ये तो परीक्षित आज आपके सामने बैठा होता मैं तो कब का मर गया होता। उस द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और मैं परीक्षित मेरी मां के उत्तरा के गर्भ में था और मैं तो गर्भ में मर ही चुका। ब्रह्मास्त्र चलना मतलब मर ही जाना, जिसकी कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। सो मैं तो मर ही गया था लेकिन उस कृष्ण ने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की। बताओ तो सही, उसकी करुणा तो देखो, मैंने क्या माला जपी थी,
पेट में रहने वाला बालक क्या कर सकता है? मैंने ना मंगला आरती की थी, ना माला की थी, मैंने ना कोई उपवास किया था, न एकादशी रखी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उस कृष्ण ने मेरी रक्षा की। अब जिस कृष्ण ने मेरी रक्षा की, जिस कृष्ण ने पग पग पर हमारे बाप दादा हमारे पूर्वजों की रक्षा की, उस कृष्ण को देने के लिए आज मेरे पास क्या है? मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ यदि कुछ कर सकता हूं तो उनकी लीला सुन सकता हूं। इसलिए आप मुझे उनकी कथा सुनाई है। सो कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हम सब जीवों पर है। कोटि नमुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ मुख भी मिल जाए ना तो कृष्ण की कृपा को हम गिना नहीं सकते। आप लोग कभी घर पर बैठकर सोचिए कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को, हरि मंदिर में बैठे हुए लोगों को, क्या कृष्ण की हम पर कृपा नहीं है? आप 50, 100, 150 साल पीछे चले गए, हमारे पूर्वज कितनी गरीबी में रहते थे, कितनी मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, वे लोग ना अच्छा खा सके, ना अच्छा पहन सके, ना अच्छा रह सके, लेकिन इस बीते 50-100 साल में प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छे से अच्छी नौकरी दी, अच्छे से अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर, खाना पीना, सारी फैसिलिटी। जब उस ईश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया और फिर आज हम कहे कथा सुनने का टाइम नहीं है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहने वाला कौन, ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं भागवत जी में कि जिस प्रभु ने हम पर इतनी कृपा की हो ना, और यदि उनकी कथा न सुने तो कृतघ्न माने जाएंगे, और कृतघ्नता ये बहुत बड़ा दोष है, और प्रभु के प्रति कृतघ्नता नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये ध्रुव महाराज ने अपनी स्तुति में कहा। इसलिए आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। और कृष्ण स्वयं भगवान सुनने लायक तो कृष्ण कथा ही है। विर्याणी तस्या किल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे, ये सब परीक्षित संस्कृत में बोल रहे हैं, मैं आपको अपनी भाषा में सुना रहा हूं। जो भगवान अंदर और बाहर दोनों जगह पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उस भगवान कृष्ण की कथा आप मुझे सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी कहे क्या सुनना चाहते, चलो कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, लेकिन कुछ सोचा है? आशा माता ने तो होलसेल में ही पूछा, उन्होंने बेचारे ने इंस्टॉलमेंट में पूछा, उन्होंने कहा पहले मुझे ये सुनाइए, रोहिणी स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुत देहांतर विना। पहले कृष्ण से पहले कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी के विषय में कहिए, सुना है कि वो रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और सुना है कि वो देवकी के गर्भ में भी थे, तो एक लड़का दो माँ के गर्भ में कैसे? डॉक्टर साहब पॉसिबल है ऐसा कुछ? आज का विज्ञान ऐसा कर सकता है, एक माँ से पेट में से निकल के दूसरी माँ के पेट में डाल दे? सो बोले ये कैसे संभव है, ये मुझे बताइए। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो जन्म लेकर मथुरा छोड़कर गोकुल क्यों चले गए? कस्मान मुकुंद भगवान पितृ गेहात ब्रजम गतः, अपने पिता के घर को छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? अच्छा ब्रज में जाकर उन्होंने क्या किया, फिर सुना मथुरा गए मथुरा में क्या किया, फिर सुना द्वारिका गए वहां क्या किया, फिर यह भी सुना 16,000 विवाह किया, किस किस के साथ विवाह किया, सारी कथा सुनाई है। और मैंने जो पूछा है वो भी सुनाई है, और जो नहीं पूछा है वो भी सुनाई है, कृष्ण के बारे में जो है सब कुछ सुना दीजिए। ऐसा परीक्षित महाराज ने कहा। जब इस प्रकार से परीक्षित ने कहा अब सुनिएगा अशोक जी, तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या कहा, मैं संस्कृत में बोलकर उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं।
जब जब जैसे ही ये कृष्ण के विषय में पूछा, मुझे बस और कुछ नहीं, मुझे केवल कृष्ण के बारे में ये सब सुनाई है, तब सुखदेव जी कहते हैं एवं व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। ये संस्कृत है, इसको हमारी भाषा में हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता है? हे अशोक, सॉरी हे राजन, मतलब आप होते तो ऐसा बोलते कि अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर आई है। ये संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? एवं व्यवस्थिता बुद्धि, बुद्धि का व्यवस्थित होना, मतलब जहां बुद्धि लगनी चाहिए अब तुम्हारी बुद्धि एग्जैक्ट जगह पर लगी है। और मैं विरुद्ध देता हूं तव राजर्षि सत्तम, इतिहास में और आने वाले भविष्य में जितने भी राजा हुए हैं ना परीक्षित, उन सभी राजाओं के मुकुटमणि तुम माने जाओगे, क्योंकि जबरदस्त तुमने जिज्ञासा की है कृष्ण कथा सुनने की। हमारे मन में जब तक अच्छा मूवी कहां मिलेगा ये जिज्ञासा तो हम करते हैं, लेकिन अच्छा खाना कहां मिलेगा, अच्छा घूमने कहां मिलेगा, अच्छा ये कहां मिलेगा, तब तक हमारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। बुद्धि ठिकाने पर कब मानी जाएगी? जब बुद्धि में यह संकल्प होगा बस अब एकमात्र कृष्ण कथा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तब समझ में आएगा, तब ये सुखदेव जी ने कहा तब माना जाएगा कि हमारी बुद्धि ठिकाने पर है। बुद्धि का ठिकाने पर लगने का अर्थ यह है कि बुद्धि का कृष्ण में लगना। भगवद गीता में कृष्ण ने क्या कहा? मई एव मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि मुझे दे दो, अपना मन मुझे दे दो। सो ये मन और बुद्धि हमें भगवान में लगानी चाहिए। जब बुद्धि भगवान में लगाते हैं ना, तो आजकल हम बुद्धि से जितने भी काम करते हैं और उसमें फेल होते हैं। आपने बुद्धि से शेयर बाजार के शेयर लिए, ये मत हमें क्या, आपने जितना भी बुद्धि से काम किया उसमें सब लोचा हुआ। वो बुद्धि यदि कृष्ण में लगाई होती तो उनकी कृपा से सारा बुद्धि वाला काम ठीक हो जाता, लेकिन हम वो सिस्टम ही नहीं जानते हैं। अब हम मन जो है ना वो दुनिया में लगे, दुनिया वालों में लगाते हैं, और दुनिया वाला तो फिर मन तोड़ेगा, दिल तोड़ेगा, फिर हम लोग गाना गाएंगे, गाओ एक। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, हाँ ये भजन है, गाओ आप। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिल के टुकड़े। अरे उसने दिल का टुकड़ा था, लेकिन उसको दिल दिया क्यों? ये दिल, ये मन, ये बुद्धि कृष्ण को देना चाहिए। कृष्ण को छोड़कर जहां जहां अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दिल दोगे आप ठगे जाओगे, आज नहीं तो कल। इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजर्षि सत्तम, सही जगह पर दिया है आपने, और अवश्य मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक काम करो, थोड़ा भोजन कर लो। परीक्षित, तुमने चार दिन से कुछ नहीं खाया, यहां मुझे कहना हो आप लोगों ने चार घंटे से कुछ नहीं खाया, नीचे सब तैयार हैं, आप लोग खाकर आ जाओ, एक बंदा भी यहां टिकेगा? हम लोग ने चार घंटे से कुछ नहीं खाया, वो उस बंदे ने चार दिन से कुछ नहीं खाया था। परीक्षित, चार दिन से न कुछ खाए, न पिए, न सोए, और सुखदेव जी कहते हैं कि तुम कुछ खाए पिए ना, एक काम करो थोड़ा भोजन पानी कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम कथा सुनेंगे, मैं तैयार हूं, मैं सुनाऊंगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हां मैं मानता हूं कि मैंने चार दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मुझे अब ये भूख जो है ना तकलीफ नहीं दे रही है, आप चिंता मत करो।
भूख तो होगी ना, कुछ डाला नहीं है, लेकिन वो भूख मुझे बाधा नहीं दे रही है। अच्छा अच्छा, आपको ये भूख लगना, शरीर में प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं? ये पूरे बॉडी में, केवल एक जगह पर, मन में। आपका मन यदि स्ट्रांग है ना, तो सब पूरा जीवन सफल है आपका, लेकिन मन ढीला है। सो माइंड में भूख जो है ना, वो माइंड में है। बाकी हम लोगों को ज्यादा चाहिए नहीं, और ज्यादा फैट ही बढ़ा रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा ही डाल रहे हैं, लेकिन क्या ना, वो भूख माइंड में है, क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है, हमारा अभ्यास ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। आजकल समाज जागरूक हुआ है कि फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन शरीर तक पहुंचा, मन का क्या? आपने एक घंटा एक्सरसाइज करके अपने शरीर को कंट्रोल किया, लेकिन मन के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइज की है? जो मन पूरे शरीर का कंट्रोल करता है, उस मन की कोई एक्सरसाइज नहीं। सो मन यदि माधव में लगाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। परीक्षित ने यही कहा कि मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? चार दिन से बंदा नहीं खाता तो भूख तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा मन अब कृष्ण में लग चुका है, इसलिए वो सब मुझे नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, भूख तो लगी होगी, आप राजा हो, राजाओं को तो हर पांच पांच दस दस मिनट में आता है खाना पीना। आप कहोगे तो मैंने कहा देखा, तो पूछोगे ना कि राजाओं को तो बहुत, हम लोगों ने फ्लाइट में देखा है, हम तो इकोनॉमी में पीछे होते हैं, वो तो पर्दा बन करके आगे जो बिजनेस क्लास में होता है हर पांच पांच मिनट में वो आती है, तो हमको लगता है आपने तो जाए जो राजे रे बन तो पीछे देख कर राजे रहते हैं, क्या खा लो अकेले अकेले पचेगा नहीं तुम लोग तो राजा को अभ्यास होता है कि भाई खाना पीना हर पांच दस मिनट में, और परीक्षित तो राजा थे, भूखे रहने का कोई प्रश्न नहीं था। तो बोले तुम कुछ खा पी लो। बोले नहीं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। क्यों? पिबन तुम त्वाम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथा मृतम। आपके श्री मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर जरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। अब जब अमृत पी रहा हूं तो साधारण पानी की प्यास ही कहां है। आप कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। आपको क्या है, कुछ खाना पीना है कि सुनाऊं? आपको कोई ना वादा वादे वादे ना चढ़ाएगा, खाओ पी हुए तो कही दे जो इना वादे रहे तो भूखिया मोर्चे तो एक घंटा हो जाए। हैं, तैयार है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, पूर्वार्ध लीला जिसे हम कह सकते हैं, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंत में भूमि द्रुप्त नृप व्याज देत्या नीक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं गयो। एक शब्द है नृप व्याज। नृप माने राजा, व्याज माने नाम का राजा, है ना? दो चीज होती है, एक नेता नाम का होता है, दूसरा काम का होता है। इस साल इलेक्शन है, सोच समझ कर कीजिएगा। कुछ लोग नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं। सो द्वापर युग के अंत में नृप व्याज राजा तो थे, लेकिन नाम के राजा थे। क्यों? क्योंकि राजा का काम है प्रजा का पोषण करना, लेकिन द्वापर युग के अंत में जो राजा थे वो प्रजा का पोषण नहीं, प्रजा का शोषण कर रहे थे।
राजा के लिए अपना पर्सनल कोई परिवार नहीं होता, उसकी प्रजा ही उनका परिवार होता है। प्रजा की रक्षा के लिए वे अपने निजी परिवार को भी दाव पर लगा सकते हैं, जैसे राम जी ने सीता जी को लगा दिया प्रजा के लिए। इसे राजाओं के गुण है। छोड़ो, ऐसे राजा ढूंढने जाओगे तो वोटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो खैर, नाम के राजा थे और क्षत्रिय तो थे, पारंपरिक राजा थे, लेकिन गलत संगति के कारण नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे और गलत आचरण करने लगे। साधकों की साधना बंद कराने लगे, भक्तों की भक्ति बंद कराने लगे, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, जीवों की हिंसा करने लगे, गाय की हिंसा करने लगे। और जब गायों का वध करने, गोमांस खाने लगे, तब तो इस धरती पर हाहाकार मच गया। इस पृथ्वी पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, पृथ्वी सहन कर लेती है, लेकिन जब गौ माता के ऊपर आ जाती है तब पृथ्वी भी आक्रांत हो जाती है। कहते हैं कि पृथ्वी बहुत दुखी हुई और दुखी होकर पृथ्वी ब्रह्माणम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के पास गई। कैसे गई? गौ भूतवा खिन्ना अश्रु मुखी, गाय का रूप लेकर, आंखों में आंसू की धारा है, और ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी को अपना सारा दुख सुनाया। और संस्कृत के श्लोक में आया, ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी ने वो दुख सुना। बहुत सुंदर सिद्धांत है कि जब कोई दुखी आदमी आपके पास आए, भले आप उसका दुख दूर न कर सको, लेकिन दुखी आदमी का 5-10 मिनट बैठकर दुख सुन भी लोगे ना, उनका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन हमारे पास वो भी टाइम नहीं होता। खास करके हम डिवोटी हैं, वैष्णव हैं, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में हम जहां जहां जाते हैं, कोई दुखी आदमी उनका दुख सुनाता है, तुम सुनना चाहिए। हम नहीं सुनेंगे तो कौन? यदि इस महफिल में लोगों के दुख दूर नहीं किए जाएंगे तो फिर किस महफिल में? समाज में शोषण हो रहा है, हर एक दूसरे के साथ स्वार्थ का संबंध है, हर एक दूसरे को यूज करना चाहते हैं। जब भगवत कथा मंदिर इस महफिल में हम लोगों के दुख नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के दो लोग ही काम करते हैं, एक है भगवान और दूसरे हैं भगवान के भक्त। भक्तों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मा डिवोटी है, पृथ्वी का सारा दुख सुना। थोड़ा डिटेल में जाऊं, एक स्टेशन ले लूं यहां पर, तो संस्कृत में लिखा है ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ, ब्रह्मा ने पृथ्वी का सारा दुख सुना, राइट? अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, पृथ्वी ब्रह्मा के पास कौन से युग में गई थी? द्वापर। और टाइमलाइन कौन सी थी? कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, राइट? कृष्ण के जन्म के पहले। अब जन्म होगा बाद, याद रखिएगा। अब एक कथा लगभग आप लोगों ने सुनी होगी, बलराम जी के शादी की कथा सुनी है, बलराम जी का विवाह। सतयुग के एक राजा जिसका नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। रैवत की पोती या बेटी, अब अलग अलग पुराणों के अनुसार अलग मान्यता है, लेकिन हम लोग चलो राजा रैवत की बेटी ही समझो, जिसका नाम हुआ रेवती। ये बात कब की है? दिमाग का लाइट नहीं, फोकस जलेगा अभी आपका। तो सतयुग के राजा रेवत, उसकी बेटी थी रेवती और बड़ी सुंदर थी। इस धरती पर उसके लिए कोई वर कोई पति नहीं मिला। राजा रेवत परेशान, बोले विधाता ब्रह्मा ने मेरी बेटी के लिए कोई वर चुना है कि नहीं? चल बेटी मेरे साथ रथ में बैठ, हम सीधे ब्रह्मा के पास जाते हैं।
सीधा निकला ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास। जब राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भजन कीर्तन में बैठे थे, वहां भी संकीर्तन होता है। अब कोई संकीर्तन में बैठा हो उसको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, तो राजा रेवत अपनी बेटी को लेकर वहां खड़े रहे और यहां ब्रह्मा जी का भजन कीर्तन चल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो भजन कीर्तन समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने रेवत की ओर, ओ राजा रेवत आई आइए स्वागत है, आपके आने का कोई कारण? बोले हाँ। बोले ये मेरी बेटी के लिए धरती पर कोई वर नहीं मिल रहा है, तो इसका वर कौन है ये मैं तुमको पूछने आया हूं। लगभग आधे अमेरिका वालों की ये परेशानी है। चलो भाई एक एक विमान बनाकर ब्रह्मा के पास जाते हैं कि लड़के शादी कब करेंगे। विधाता ने क्या लिखा है इसका। तो राजा रेवत ने कहा कि ये मेरी बेटी रेवती के लिए कौन सा वर आपने चुना हमको बता दीजिए, तो ज्यादा ही हमको घूमने की जरूरत है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बहुत हंसे। बोले महाराज हंस क्यों रहे हो, जो भी है खुलासा करो। बोले तुम्हारी बेटी के लिए जो वर था वो तो कब का पैदा होकर मर गया। कैसे? बोले तुम जानते हो ब्रह्म लोक की एक सेकेंड धरती पर युग के युग बीत जाएंगे, तो तुम यहां पर आए आधे घंटे खड़े रहे और अब आप धरती पर जाओगे, सतयुग पूरा हो गया, त्रेता भी समाप्त हो गया और द्वापर समाप्त होने को आया। मतलब अब तक तो तुम्हारी बेटी के बेटे के बेटे के बेटे कितनी पीढ़ी चल गई होती। तो बोले अब ब्रह्मा जी अब क्या करें, हम तो सतयुग के लोग, अब धरती पर तुम कहते हो द्वापर युग का अंत, क्या करें? बोले अब सतयुग की बेटी की बराबरी करने वाला एक बंदा है, कौन? बलराम। सीधे जाओ द्वारिका और अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम के साथ करा दो। और फिर राजा रेवत आए और रेवती का विवाह किसके साथ कराया? टाइम रेंज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये कब कौन से युग में गए थे? नीचे आए तब कौन सा क्या था? द्वापर का एंड, मतलब बलराम जी की शादी, समझो ना। सतयुग से लेकर बलराम जी की शादी तक तो ब्रह्मा जी भजन में बैठे थे, तो ये पृथ्वी गई कौन से ब्रह्मा के पास? अब समझ रहे भागवत को ऐसे समझ रहे। अब भागवत में तो सीधा लिखा कि वही वो भी श्लोक में कि भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांत भूरि भारण ब्रह्माणम शरणम ययो, पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। और ये भी लिखा ब्रह्मा तत उपदारियात, ब्रह्मा ने पृथ्वी का दुख सुना। तो अब सतयुग से लेकर बलराम जी की शादी तक तो ब्रह्मा जी वहां भजन में मग्न थे, रेवत भी वेटिंग में खड़ा था, तो फिर यहां पृथ्वी कौन से ब्रह्मा के? मतलब जिसको भागवत में इंटरेस्ट है वो सब इस पर विचार कर सकते हैं, बाकी तो सोचेंगे ये क्या। एक तो ऑलरेडी हम हमारे जीवन में कंफ्यूज है, ऊपर से ये लोचा डालते हो। मतलब हम लोगों के लिए, हमने हमारे गुरु को सुना है, तो जब गुरु जी ऐसी बातें करते थे ना तो हमको रात को नींद नहीं आती, हम आनंद आनंद हो जाते, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो कंटेंट है ना, इसी का नाम है भगवद गीता में कृष्ण ने कहा अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। ये जो अभी आपने 10 मिनट सुना ना, ये बुद्धि का सब्जेक्ट है। तो भाई पृथ्वी का तो इसका निराकरण निकालना होगा प्रमाण के साथ, ओके? तो ये प्रश्न खड़ा किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भागवत की टीका लिखी सारार्थ दर्शिनी, उन्होंने ये प्रश्न, हमको तो ये प्रश्न भी नहीं होता, हम तो सुनकर भागवत आगे हैं, जल्दी पूरा करो भाई। लेकिन एक एक पॉइंट, अब ये तुम्हें एक पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि कुछ बात का व्यास करूंगा, कुछ समास व्यास समास के साथ चलेंगे, केवल इस बात पर भी विचार करे तो तब तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सुनिए देखो बहुत सुंदर बात कही कि बोले सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक बलराम जी की शादी तक हाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में थे, भजन में थे और राजा रेवत वहां पर डिस्कशन सब कुछ था, ठीक है। तो फिर पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी ने उसका दुख सुना, बोले ये भी सत्य है।
तो इसको कैसे समझा जाए, तो अब एक नई चीज बाहर आती है, सुनिए क्या है। ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक ये ब्रह्मा जी का घर है, ओके। और इस पृथ्वी पर एक स्थान है सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपनी ऑफिस खोल रखी है। आपको जाना है तो एड्रेस भी देते हैं। ब्रह्म मैं ऑफिस और घर इसलिए बोला क्योंकि ये हम समझ सकते हैं कि हमारा घर होता है, ऑफिस भी होती है। ऑफिस में ऑफिशियल काम करते हैं, घर पे घर के काम। तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी वहीवट नहीं करते। ब्रह्म लोक में भजन कीर्तन, हाथों में वेद माला लेकर वो सब वहां करता है। और संसार को कैसे चलाना, वहीवट करना, वो सब ब्रह्मा जी अपनी ऑफिस में आकर कहां करते हैं? सुमेरु पर्वत पर अपनी ऑफिस में ये सब काम करते हैं। ओके, अब देवताओं में एक शक्ति तो होती है कि एक टाइम पर दो स्थान पर देवता रह सकते हैं, ओके। तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में जो रहते हैं, उस ब्रह्मा का जो स्वरूप है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। अब मैं आपको पूछूं, ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा है? नहीं, ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा नहीं है। एक्चुअली ब्रह्मा का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी का पासपोर्ट आपने कभी देखा? नहीं। ब्रह्मा जी के पासपोर्ट में नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने उनके बीच में से प्रकट हुए थे हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ब्रह्म माने वेद। भगवान ने, भगवान विष्णु ने सारे वेद ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिए, तो ब्रह्म को प्रकट कर दिया माने ब्रह्मा, वेद को धारण किया इसलिए ब्रह्मा। क्या? तो ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा है वो है हिरण्यगर्भ। वहां भक्ति कीर्तन संकीर्तन वो सब वहां करते हैं। और वही ब्रह्मा का एक स्वरूप है, वो ब्रह्मा ही है लेकिन उसका नाम है वैराज ब्रह्मा। कौन सा? वैराज ब्रह्मा, जो कहां रहते हैं? सुमेरु पर्वत पर। वो क्या है? उनकी ऑफिस है। अब राजा रेवत गए थे ब्रह्मा के घर में क्योंकि घरेलू मामला था, लेकिन पृथ्वी गई ब्रह्मा की। ये बात कहीं जाकर किसी कथाकार पंडित को बताओ, कहेंगे यार काशी से पढ़कर आए, इतनी गहराई वाली बात कर दिया। सो ये है भागवत सुनना। तो वैराज ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर। तो पृथ्वी कहां गई? अब भागवत जी में तो इतना ही लिखा है कि पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी ब्रह्मलोक में नहीं गई है, पृथ्वी सुमेरु पर्वत पर वैराज ब्रह्मा के पास गई। और पृथ्वी ने वैराज ब्रह्मा को अपना सारा दुख सुनाया, ब्रह्मा जी ने सारा दुख सुना और पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा कि देखो देवी, छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, इतना भारी दुख आया है मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं, तुम्हारे लिए भगवान को प्रार्थना कर सकता हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा अवश्य भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मैं आपको एक सिद्धांत बताऊं, आप कभी मंदिर में आकर भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे बच्चे को ये हो जाए, मतलब प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए, मेरे जीवन में ये दुख चला जाए, ऐसा करते हो ना? कहते हो ना? और कहना ही चाहिए क्योंकि यही तो स्थान है, और किसको कहेंगे? लेकिन एक सिद्धांत सुनिए, हम हमारे लिए भगवान को जब प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना जल्दी नहीं सुनी जाती, उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन कोई दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करे ना, वो प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, तुरंत उसका असर होता है। हम हमारे लिए प्रार्थना करें सालों के साल बीत जाएंगे वो कंप्लीट होने में, लेकिन हम यदि दूसरे के लिए प्रार्थना करें वो तुरंत समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और दूसरे को कहना है भाई तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, चीटिंग मत करना इसमें। चलो आपने पहले प्रार्थना करे विजय मारी मटक है, चलो करें दे। बिना चीटिंग के इज्जत से मतलब
यदि हम दूसरों, इसलिए हमारे वैष्णव समाज में एक बहुत सुंदर बात आती है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, एक दूसरे के, साधारण सी बात है ना, एक पिता के दो पुत्र हैं, आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, माता पिता परेशान हैं। एक दिन एक लड़का अपने पेरेंट्स के पास आए, पिताजी मुझे 10 रुपया दीजिए ना। क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे छोटे भाई को मुझे देना है। पिताजी तो गदगद हो जाए, 10 नहीं तो 100 लेकर उठा जा, है ना। दूसरे के लिए हम जब भगवान से मांगते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए प्रार्थना करनी है तो दूसरों के लिए करनी चाहिए, और हमें दूसरों से कहना चाहिए कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी को लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रभु को प्रकट करना है तो कीर्तन करना पड़ेगा, और अकेले अकेले कीर्तन में आनंद नहीं। ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया, नारद जी को बुलाया, शिव जी को स्पेशल फोन करके बुलाया, महादेव आपकी जरूरत है, आप आइए। और पूरा जुलूस, सारे देवता क्षीर सागर के तट पर भगवान के पास पहुंचे हैं, और भगवान को पुरुष सुप्त करने लगे। हमारे वेदों में पुरुष सुप्त स्तुति है। और फिर सारे देवता वहां क्षीर सागर के तट पर कीर्तन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर सरल भाषा में लिखा है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय यसुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 गोद्विज हितकारी जय यसुतारी सिंधु सुता प्रिय कंता, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। पावन श्रुति संता मर मन जा नहीं खोनी, राधे श्याम 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 राधे चंद्र भगवान। बहुत सुंदर कीर्तन किए, और जहां कीर्तन होता है भगवान हाजिर हो जाते हैं। सो भगवान की वाणी प्रकट हुई, कैसी थी वाणी? सुखदेव जी कहते हैं, गिरम समाधो गगने समीरिता, गगन को गुंजाने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान की वाणी की ताकत क्या जानते हैं? जगत भय भयावह, भगवान की वाणी भय को दूर कर देती है। तब आपके मन में होता है हमको भी भगवान की वाणी सुनने मिल जाए,
भगवान की वाणी आप सबके घर में है लेकिन आपको सुननी ही नहीं है। तो भगवत गीता क्या है ना, यदि हम सुने तो भय से मुक्त हो जाए। सो भगवान की वाणी प्रकट हुई और कहा कि आप चिंता मत करो, आपका दुख हम जानते हैं और बहुत जल्द इस धरती पर प्रकट होऊंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, पृथ्वी का भार दूर करूंगा, साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दो कि एग्जैक्ट आपका जन्म कहां होगा, क्योंकि हमारे भारत में हर 10 घर छोड़कर एक भगवान बैठा है, अपने आप को भगवान कहने में देरी नहीं लगती है। पर जनता भी कुछ ऐसी है, थोड़े से छोटे मोटे चमत्कार देखकर भगवान मान बैठते हैं। तो भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, कहां जन्म लूंगा, वसुदेव के गृह में। कहां जन्म लूंगा, पहले तो संस्कृत श्लोक समझिए तो फिर मैं आगे थोड़ा। वसुदेव गृहे कहां जन्म, भगवान किसने कहा ये, भगवान थोड़े झूठे नहीं लगते आपको, भगवान ने क्या कहा, कहां जन्म लूंगा, कहां जन्म लिया, तो लोचा किया कि नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे ये भगवान की कथा कहने बैठे हैं, उसकी गलती निकालने बैठे हैं। नहीं, हमारा चित हमारा मन बुद्धि को कैसे यूज करना ये देखिए, कथा में कैसे बुद्धि को लगाना। अब भगवान ने कहा वसुदेव गृहे, ओके, तो भगवान का जन्म तो कंस के गृह में, कंस के कारागार में हुआ, तो ये भगवान का कैसे हम समझे। तो हमारी नीति में एक श्लोक है, गृह माने क्या, वसुदेव गृहे, तो गृह माने क्या, गृह माने चार दीवार से बना हुआ घर नहीं, गृह माने पत्नी, गृह माने गृहिणी। इसलिए नीति में एक श्लोक है न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्चते, केवल चार दीवारी से बने हुए घर को घर नहीं कहते, वास्तविक गृह किसे कहते हैं, गृहिणी को। अंजेनी गृहिणी हो ना घर जुआ जेवा हो, बाकी चार पांच दिवस गृहिणी जो घरे थी गई हो कि घर घर नहीं करियाणा की दुकान थी जाए, थोड़ा गुजराती में सेट हो ऐसा। घर घर पुरुष, कभी आप गए, ये बच्चों जो हॉस्टल में रहते हैं आप कभी गए वहां, आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, पैंट यहाँ टंगा है, शर्ट यहाँ टंगा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो तो जब गृहिणी आती है तब सब सेट होता है, है ना। तो सच्चा घर तो तब बनता है जब गृहिणी होती है। सो न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। अब समझ में आ गया, भगवान ने क्या कहा, वसुदेव गृहे मतलब वसुदेव की पत्नी से मेरा जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो भगवान ने कहा रुको, अब आप लोग आए हो ना, तो एक काम करो कि मैं जब प्रकट होऊंगा ना तो अकेले अकेले मजा नहीं आएगा, मुझे थोड़ी टीम चाहिए, रासलीला करनी, माखन चोरी करनी, ये करना है वो करना, टीम बनाएंगे, टीम वर्क करेंगे। तो बोले क्या, बोले ये देवता जो है ना, देवी देवता, वो सब लोग गोप ग्वाल सखा गाय बछड़े सब बनकर प्रकट हो जाओ, आप सब लोग सेट हो जाओ, फिर मैं आऊंगा, हम सब लीला करेंगे। तो देवताओं ने क्या किया, तब तो ये भगवान ने ये बात ब्रह्मा और इंद्र को बताई, और ब्रह्मा और इंद्र ने अनाउंसमेंट किया, जैसे ये दोनों ने किया ना, माइक माइक आज ये दो के पास था। अब सुनिए ये दो की कथा, तो ये दो के पास माइक था, तो ब्रह्मा और इंद्र दो लीडर हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा कौन, इंद्र, सभी देवताओं में ज्येष्ठ कौन, ब्रह्मा, ये दो लीडर है।
तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा इंद्र सभी देवताओं को कह दो कि अपने एक एक अंश से धरती पर गोप ग्वाल सखा गाय बछड़े बन जाए ताकि मुझे लीला में सपोर्ट मिले। ये दोनों ने माइक लिया जैसे दोनों ने लिया था। ये देवताओं देवियों सब लोग चलो लग जाओ काम पर, अपने एक एक अंश से धरती पर कोई ग्वाल बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़ा बन जाओ, तैयार हो जाओ। सारे देवी देवता चले गए, सब सेवा में लग गए, पर मधुसूदन और अशोक जी घर जाकर सो गए। मतलब ब्रह्मा और इंद्र ने क्या किया, वो सो गए। मतलब वो ये लीडर कैसे थे, केवल अनाउंस करने वाले। एक्चुअली लीडर कैसे होने चाहिए, अपने आचरण से सिखाने वाले। लीडर मतलब अपनी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, अपना काम भी करूंगा और दूसरा आचरण करके सिखाऊंगा, समझ रहे हो। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो केवल दूसरों को बोलना बताना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। उसकी क्या हालत होती है, आप सुनिए, आप सुनिए। सारे देवी देवता सेवा में लग गए, सब लोग कृष्ण लीला का आनंद लिए, लेकिन दो लोग साक्षात कृष्ण को भी पहचान नहीं पाए और स्वयं कृष्ण का अपराध कर बैठे। वो दो कौन, एक के लिए गोवर्धन उठाया और एक के लिए ब्रह्म विमोहन लीला। नहीं तो आप देखो तो सही, पूरी कृष्ण लीला में और किसी देवी देवताओं को प्रॉब्लम नहीं आई। संतोषी माता, अंबे माता को सब लोग कृष्ण को जानते थे। दो बंदे थे माइक वाले। जो दो कृष्ण को नहीं जान पाए, यद्यपि वो आगे की रो में खड़े थे माइक लेकर, पर भगवान ने साक्षात उनको ये सब बताया था, लेकिन वो नहीं जान पाए। और इतना अहंकार अभिमान, अच्छा ये कृष्ण भगवान है, मैं परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा ने ली, इंद्र ने ली, और फिर दोनों में भगवान ने। सो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि लीडर को चाहिए स्वयं आचरण करे। और दूसरी बात, भगवान को समझने के लिए, अभी ये कथा सुन रहे ना, लगभग मेरी बात समझ में आती होगी, लेकिन कई बार कुछ बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। कई बार आधा जीवन बीत जाने, मुझे भी आजकल, मुझे भी, मैं बहुत कुछ सुनता हूं, सब कुछ थोड़ी समझ में आता है, कुछ बात एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता हूं। लेकिन नहीं कर पाता हूं तो ये मेरा प्रॉब्लम, ग्रंथों का प्रॉब्लम नहीं है, संतों का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। और इस मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होगा, सेवा करके। शास्त्र की बात, भगवत गीता, भागवत की बात बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, सेवा के द्वारा। आपने देखा सभी देवी देवता कृष्ण की सेवा में लगे तो सब लोग कृष्ण को समझ गए, कृष्ण का आनंद लिया। दो ने सेवा नहीं की, दो गड़बड़ कर बैठा है, समझते ना। तो भगवान को समझने के लिए, उनके प्रेम सुख का आनंद लेने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करते करते प्रभु समझ में आ जाते हैं। तो दोनों काम करना है, भक्ति करनी है, साधना करनी है, कथा सुननी है, सेवा भी करनी है, नहीं तो प्रभु को समझ नहीं पाए। सेवन मुखो ही जीवा दो स्फुरत एव अधः। सेवा करते करते ही हृदय चित्त पवित्र होगा और प्रभु समझ में आएंगे। कथा सुनकर, ग्रंथ पढ़कर भगवान समझ में नहीं आते, इसका अर्थ यह है कि बहुत पाप भरा हुआ है, और उस पाप से मुक्त होने के लिए सेवा करनी चाहिए। सेवा करके अपने आप को पवित्र करते जाओगे, दूसरे ओर भक्ति करके भगवान को समझते जाओगे। तो जहां ठाकुर जी की सेवा का प्रश्न है, वहां साधु संत महात्माओं का कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, वो हमारे चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए हमें सेवा में लगाते हैं। सो सेवा करें, आप अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर, मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे। जितनी सेवा करते जाएंगे भगवान समझ में आते जाएंगे। सो इस प्रकार भगवान ने कहा, सब लोग अपने अपने स्थान पर, पृथ्वी भी अपने स्थान पर, और अब प्रभु के आने की राह देखने लगे, कब आएंगे, कब आएंगे। प्रभु भी राह देखने लगे, कब आएंगे, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। भगवान को तो आना था,
लेकिन आने के लिए कोई पेरेंट्स, कोई माँ बाप तो चाहिए है। ऐसे पवित्र माता पिता जहाँ भगवान आए हैं। आपने आपने सुना वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा हो, राम जी का जन्म बोलने से पहले राम जी की पूरी परंपरा का वर्णन होता है कि महाराज रघु अज दशरथ ये हैं। क्योंकि भगवान को आना होता है लेकिन वो किसी पवित्र परंपरा में आता है। सो कृष्ण सोचे कहां जाऊं कैसे प्रकट हूं, किसका बेटा बनूं, एरे गेरे का तो बेटा बनेंगे नहीं भगवान। और फिर वह दिन आ गया, राजधानी तत्साबुत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा के एक राजा थे, राजा शूरसेन, और शूरसेन के छोटे पुत्र वसुदेव, और उसी मथुरा के एक राजा थे देवक। उस देवक की छोटी बेटी जिसका नाम था देवकी, वसुदेव और देवकी का विवाह होने लगा। और विवाह 15 दिन तक वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां रुकी, सुंदर स्वागत, नाच गान, आप सब जानती हैं शादियों में आजकल शादी एक दिन की होती है, एक दिन में भी क्या, आधे दिन में तो सब निपटा देते हैं। पहले के जमाने में शादियां 2-2, 3-3 दिन की होती थी, भगवान के जमाने में 15 दिन की शादी होती थी, बताओ। सो 15 दिन तक बारात रुकी है। राजा देवक अपनी बेटी से बहुत प्रेम कर, राजा देवक के एक भाई थे जिसका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन का बेटा था कंस। तो कंस और देवकी दोनों चचेरे भाई बहन, कजिन थे। अब बहन को विदा कर रहे हैं, राजा देवक अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। वसुदेव जी देवकी को लेकर रथ पर बैठे, अब गान बजान हो रहा है, बेटी को विदा कर रहे हैं। अब विदाई की घड़ी तो आप जानते ही हैं, बड़ी कठिन सी होती है। खैर आजकल तो रोना आता नहीं है, रुलाया जाता है, क्योंकि विदाई के समय क्या है ना, रोना चाहिए, कुछ फोटो में आना चाहिए, तो रोना आता नहीं, क्योंकि शादी के पहले ही पति के घर पर जा चुकी है, घूम चुकी है, सब जो होना था हो चुका है, कुछ ऐसा नया जैसा तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन क्या करे, वो एक रिचुअल है, रोना निकलते समय तो एक बहुत सारा पैसा देकर एक टीम को बुलाया जाता है, जब हमकी हमारी विदाई होगी तो कुछ ऐसा गाना ताकि हम लोग को रोना आए। लेकिन पहले के जमाने में जब किसी गांव में किसी बेटी की शादी होती तो पूरा गांव रोता था, दिल से रोता था। गांव के पशु पक्षी, ऐसा वर्णन है, जब सीता जी को विदा किया जा रहा था ना, जनकपुर की दीवारें रो रही थी कि आज जनक दुलारी, जनक नंदिनी जा रही है। बेटियों में भी ऐसे गुण होने चाहिए, कुछ लोग जाते समय सोचे ओ जान छुटी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख का माहौल था। और हिमालय की बेटी पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ ना। हिमालय तो कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग कहते ना कि ये तो पत्थर दिल का आदमी है, ये तो पत्थर जैसा है, मतलब इसका अर्थ यही हुआ ना कि कठोर से कठोर चीज पत्थर है, और पत्थर में भी सीमा पर्वत, लेकिन पर्वत जैसा पर्वत भी अपनी बेटी पार्वती को विदा करते समय रोने लगा, पर्वत भी झुक गया। जीवन में कई अवसर ऐसे होते हैं जहां पुरुष हंसता हुआ अच्छा लगता है, और कई अवसर ऐसे होते हैं जहां पुरुष रोता हुआ अच्छा लगता है, और वह अवसर है अपनी बेटी को विदा देते समय। पर बेटी भी बेटी होती है। आजकल कुछ लोग मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए, खामखा बेटे के चक्कर में पड़े हैं। एक बेटी जितना प्रेम अपने माँ बाप को करती है उतना बेटे नहीं करते, ये अंदर की बात है, सही बात है। जब छोटी होती है तो माँ बाप को काम में हाथ बढ़ाती है,
बड़ी होती हैं, देखती हैं पिताजी असमर्थ हैं, जॉब करती हैं, काम करती हैं। जब विवाह होता है तो एक ही पल में 20-25 साल तक जिस घर में रही, माँ बाप ने लाड लड़ाए, एक ही पल में पराए घर में चली जाती है। और हमारे देश में परंपरा थी, हाथ लाल करके दीवार के ऊपर ऐसा है। वो क्या था जाते हैं, वो एग्रीमेंट था कि पिताजी भले मैं आपके गोद में पली, मैंने आपसे जन्म लिया, लेकिन मैं खाली हाथ आपका घर छोड़कर जा रहा हूं, मुझे आपसे आपके प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और खाली हाथ बेटी चली जाती थी, और बेटा तो कोर्ट में जाकर खड़ा रहता है, मेरा हक मुझे चाहिए। और ससुराल जाकर भी जब बेटी को पता चले मेरे माँ बाप दुखी हैं, बीमार हैं, तो जैसे तैसे माँ बाप की सेवा के लिए आती है, सब बेटी करती है, बेटे तो वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। सो बेटी बेटी होती है, बेटी को विदा कर रहे थे और सबकी आंखें नम थी, सब रो रहे थे, पूरी मथुरा रो रही थी, कंस जैसा क्रूर भी तो रो रहा था। सुनिएगा ध्यान से, मैं कुछ नई नई बातें आपको अनसुनी बातें भी कहूंगा। पर अब क्या हुआ, रथ के ऊपर देवकी और वसुदेव बैठे हैं, और कंस को हृदय में कष्ट हुआ तो कंस ने सोचा मैं रथ चलाऊंगा। आप सब कथा जानते हैं, तो कंस स्वयं रथ चलाने के लिए बैठ गया। और जब कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाने जा रहा है तो देवलोक में खलबली मच गई, क्योंकि देवलोक को तो भगवान ने कहा था ना मैं आऊंगा, जन्म लूंगा वसुदेव गृह। तो जिस वसुदेव के बेटे भगवान बनेंगे उसका रथ कंस चलाएगा, तो मतलब ये तो ऐसा ही हुआ ना कि कंस ने देव की वसुदेव की सेवा की, तो भगवान अपने मां बाप की सेवा करने वाले को कैसे मारेंगे, तो ऑब्लिगेशन होता है, तो कैसे मारेंगे। तो देवता से रहा नहीं गया, क्या करे क्या करे, और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाश, ये ओरिजिनल आकाशवाणी, हम आजकल जो आकाशवाणी सुनते हैं ना, यहाँ तो पता नहीं हमारे बात, ये आकाशवाणी है नया, तो यह बेटी की उंगला गया पढ़ने वो आकाशवाणी नहीं होती, वो दिल्ली की वाणी होती है, अहमदाबाद की होती है, ये ओरिजिनली आकाशवाणी थी। देवताओं ने कहा कि अरे मूर्ख, मूर्ख कहा ना, तो कंस को ऐसे किसी ने थप्पड़ मारा ना, ऐसा ऐसा जोर से चमाटा मार दिया हो, क्योंकि आज तक किसी ने इसको मूर्ख कहा नहीं था। कंस आगे पीछे देखने लगा, मतलब जो इमोशनल जो था ना वो सब निकल गया, क्योंकि देवता को तो यही करना था। मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। पति तो सब रोना धोना इमोशनल सब खत्म, तेरी जात का इसका बेटा मेरी मृत्यु का कारण। कंस ने रथ बथ लगाम लगाम सब छोड़ा, इसको कोई लज्जा लाज शर्म कुछ नहीं, एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े, दूसरी हाथ से म्यान से तलवार खींची, और देवकी का मस्तक उड़ा नहीं जा रहा। मैं कुछ समय पहले इस, हमें तो नवरा बिल्कुल नवरा, तुम्हारे जब बिजी न हुई है तो हमारे बीजू करवा चिंतन, तो मैं इस पर चिंतन कर रहा था, आप मेरे चिंतन में थोड़ा भाग लीजिए, क्योंकि आपके पास तो सब समय होता नहीं है, तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूं मेरा। और सुनिए, आप भागवत की बात है लेकिन उस पर चिंतन आप देखिए। अब कंस देवकी का मस्तक अब काट नहीं जा रहे, एक दो तीन खच करके गया ही, और उस पूरे मथुरा में कोई कुछ नहीं बोला। आप विचार करो, जिस आप सुनो तो सही, आप थोड़ा विचार तो करो कि पूरी मथुरा रो रही थी देवकी के लिए, पूरी मथुरा रो रही थी, मतलब कितना प्रेम जता रही थी, अरे रे रे बेटी जा रही है। लेकिन जब कंस देवकी को मारने लगा तो कोई आगे नहीं आया,
हैं? कोई आगे आया? आपने कभी सुना भागवत जी में किसी जगह पर? अरे चलो, बाकी कोई ना आता, देवकी का बाप को तो आगे आना चाहिए, देवक को तो आना चाहिए। कंस, रहने दे, मेरी बेटी है, देवकी को मारने से पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा तो बोल रहे। चलो, कंस से बचा नहीं सकता है, बीच में आकर खुद मर तो सकता है। लेकिन आपने कुछ सुना? आपने कभी देखा कि कोई आया आगे? पर रोने के लिए सब आ गए। मैं आपको अंदर की बात, हर रोने वाले आपके ही है, ऐसा मत मान लेना। ओ, आपके पिताजी मर गए, अंदर से खुश हो रहे, अच्छा हुआ गया ये। हर रोने वाले आपके नहीं होते। अब पूरा, अब आप समझ रहे मेरी बात, पूरी मथुरा रो रही थी इसके लिए। जब कंस इसको मारने लगा तो मैं तो कहता हूँ पब्लिक, हम हुरियों के रोज है करके सब आगे आए होते तो कंस नहीं उतर जाता, पब्लिक जमा हो जाती, पूरी मथुरा वहां थी, सब लोग पूरा। आपने वो बी आर चोपड़ा का महाभारत नहीं देखा? महाभारत करके वो कुछ हाथी पर कुछ घोड़ों पर कुछ दो सौ रुपये वाले आगे पैदल दौड़ के आते हैं, ऐसे सब लोग आगे आए होते और कंस को कहते हैं उतर, ऐसे मत मार, ऐसे कर, देव की उस देव को भेज देते। सब पॉसिबिलिटी है ना। कोई आगे नहीं आया, स्वयं राजा देवक भी नहीं आया। उस सभा में केवल एक वीर था और वो थे वसुदेव, और उसने कंस का हाथ पकड़ा। रुक कंस, और विचार करो, वसुदेव का तो उतना बनता भी, वसुदेव तो ऐसा सोचते हैं, मैं गुजराती में जो सोचू हुए था, इना बाप ने कहीं नदी पड़ी तो हूं क्यों बच्चे। अजी तो यही है, हमें ज्ञान दी, अजी तो ऐसा उसके मायके में ही है। उसके बाप को कुछ है नहीं तो मैं क्यों बीच में न लेना न देना, ऐसा सोच सकते हैं ना। लेकिन नहीं, वसुदेव आगे आए, कंस को रोका। भगवान ऐसे इसके बेटे बनते हैं, ऐसे लोगों के वहां भगवान प्रकट होते हैं। मुझे आपको जो सिखाना है, भगवान उसी के घर पर बेटा बनकर आते हैं या भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो धर्म का साथ देते हैं। पूरी मथुरा खड़ी थी जिस देवकी के लिए रो रही थी, कंस अधर्म कर रहा था, अधर्म होते हुए पूरी मथुरा ने देखा, वसुदेव नहीं देख पाए और अधर्म को रोकने के लिए हाथ आगे किया और उसी का बेटा बनकर भगवान आए। हमारा क्या है ना, अपने पर आती है ना तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए कुछ नहीं करते हैं। अधर्म को रोकना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। So, इसीलिए भगवान ने वसुदेव को चुना। वसु मतलब ये प्रसंग भी इसी के लिए होगा, आगे चलकर कोई इस पर प्रश्न न उठाए कि वसुदेव के बेटे ही क्यों बने, इसलिए वसुदेव का बेटा बना, देख इसके लिए। कुछ लोग कह सकते हैं ना, बहुत सारे डिवोटी हैं, प्रभु आप वसुदेव का बेटा ही क्यों बने, हे ताकत वसुदेव जैसी, कि उस देवकी का बाप भी आगे नहीं आया, पूरी मथुरा सब लोग जिसके लिए रो रहे थे वो कोई आगे नहीं आया, लेकिन वसुदेव आए। और वसुदेव भी वसुदेव है, बड़े बुद्धिमान थे, बोले अब कंस को सीधा तो रोका नहीं जा सकता, किसी भी आदमी को रोकना है ना, मतलब इमीडिएट कुछ एक्शन में लाना है ना, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वसुदेव जी प्रशंसा करने लगे, वीर है? वीर कहने लगे, बड़े बड़ा संबोधन देने लगे। कंस कुछ देर के लिए रुक गया और वसुदेव की बात सुनने लगा। तो यहां पर भी शिक्षाएं तो बहुत सारी है। यदि वास्तव में आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो ना, तो उसको डांट कर या उसके दोष दिखाकर समझाने का प्रयास करो कि वो कभी नहीं समझेगा। उसकी प्रशंसा करके आप समझाओगे ना तो आशा है कि वो समझेगा। वसुदेव जी ने कंस का दोष नहीं दिखाया, कंस की प्रशंसा की, और प्रशंसा करके फिर बहुत बड़ा प्रवचन हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे। वसुदेव जी ने बहुत कुछ कहा
कंस तो फिर भी मान ही नहीं रहा था। तब वसुदेव जी ने अंत में कहा कि मैं तुम्हें वादा करता हूं कि इनके गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू देवकी को छोड़ दे। तब कंस ने सोचा कि ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कंस नीचे उतर गए, देवकी और वसुदेव चले गए। विवाह हुआ, एक साल बीता और एक साल के बाद देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मात्स कृच्छेन स नृतात अति विह्वला। अनृतात, झूठ बोलने में वसुदेव जी को बड़ा कष्ट होता था। वसुदेव की इच्छा नहीं थी कि मैं बालक कंस को दे दूं, लेकिन झूठ बोलना करना वसुदेव के लिए बहुत बड़ा कष्ट था। तो अपने वचन के लिए वसुदेव जी प्रथम बालक को लेकर कंस के पास आए, दे दिया। एक दिन का बालक कंस ने देखा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसे तुम लेकर जाओ और देखो वसुदेव जी, अब हर बार आना जाना मत कर रहो, आठवां बालक होगा ना उसे लेकर आना मेरे पास, आठवें बालक को लेकर आना। गए वसुदेव जी, तब तक नारद मुनि आए, बोले कंस तूने क्या किया। बोले तो आठवां बालक था, आकाशवाणी कही थी, बोले तेरा बाप विष्णु है, वो अभी भी तो नंबर के चक्कर में है, खंबा तोड़कर प्रकट हो सकता है, गरुड़ पे बैठकर आ सकता है, पानी में से मत्स्य बनता उतार लेकर आ सकता है, तो ये तेरा 2, 5, 8 ये सब, और यही है तो बता इसमें आठवीं उंगली कौन सी, यहां से गिना तो ये 8, यहां से गिना तो ये 8, पहला भी 8वां, 8वां भी 8वां। हाँ हाँ महाराज, गुरुजी बहुत आपने अच्छी बात कही। नारद जी चले गए, कंस ने बुलाया देवकी वसुदेव को, कारागार में बंद किया और उस प्रथम बालक को मार दिया। फिर कुछ समय के बाद दूसरे बालक का जन्म हुआ, कंस ने दूसरे को भी मार दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कंस ने 6-6 बालकों को मार दिया। देवकी वसुदेव बड़े दुखी हुए, परंतु देवकी और वसुदेव का दुख बलराम जी से नहीं देखा गया। यूं तत्व की दृष्टि से तो बलराम जी छोटे हैं, लक्ष्मण है ना और राम कृष्ण है, लेकिन इस बार बलराम ने ओवरटेक कर लिया। बोले छोटा बनने में घाटा है, मैं कभी भी परशुराम के सामने आता तो भैया चुप चुप करा देते थे, कुछ भी करने जाओ तो बड़े भाई चुप कर, अब तो बड़ा बन कर आऊंगा। तो 6 बेटे मर गए, सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षसे गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। सतयुग में कश्यप जी की 16 पत्नी थी, कितनी, 16। 10 प्रजापति ने अपनी 16 कन्या का विवाह कश्यप जी के साथ कराया था। उनमें से 2 पत्नी का नाम, एक का था अदिति, एक का दीति, एक का नाम था कद्रु। कद्रु, कद्रु जिसे सर्पों का जन्म हुआ, विनीता जिसे गरुड़ का जन्म हुआ, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। एक कथा आती है, अब ये आप पहली बार सुनोगे, ऐसा नहीं है कि सब सुना हुआ ही सुनोगे। एक कथा आती है कि एक बार कद्रु के मन में संतान प्राप्ति करने की बहुत इच्छा हुई और कश्यप जी की राह देख रहे, तो वादा भी किया होगा, लेकिन उस समय ये कश्यप जी अदिति के पास गए थे और अदिति की बात के साथ बातों में उलझ गए और बहुत समय बीत गया और यहां आने में उनको देरी हो गई। कद्रु ने कहा, इतनी देरी क्यों हुई, कहां गए थे? बोले अदिति ने मुझे रोक लिया। अदिति ने, इसको आया क्रोध और श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। वहां अदिति को पता चला, मुझे श्राप देती है, तेरा भी जन्म पृथ्वी पर होगा, मनुष्य समाज में तेरा जन्म, तेरा मनुष्य समाज। कश्यप जी ने प्रवचन करके दोनों को शांत किया, फिर दोनों रोने लगे, अरे रे, हमको पृथ्वी लोक पर नहीं जाना है। तब कश्यप जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब श्राप, श्रापा श्रापी हो गई,
वो तो होगा ही, लेकिन तुम भक्ति करो तो अदिति तुम दूसरे जन्म में देवकी बनोगी और मैं वसुदेव बनूंगा और कृष्ण हमारे बेटे बनेंगे, तब तो खुश हो ना। और कद्रु तुम रोहिणी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से बलराम जी का जन्म होगा। तो ये पूर्व जन्म है रोहिणी का और देवकी वसुदेव का। बलराम जी को बड़ा कष्ट हुआ और सातवें पुत्र के रूप में बलराम जी मां देवकी के गर्भ में आ गए, लेकिन उनको तो रोहिणी का बेटा बनना था। इसलिए भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि माया तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो, और तुम मेरा ये काम करोगे ना तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा, बोनस दूंगा। क्या बोनस दोगे? बोले बोनस ये है कि कलयुग में जन्माष्टमी एक दिन की होगी और तुम्हारी नवरात्रि 9 दिन की होगी। अपना फेस्टिवल एक दिन का, पर देवी यदि तुम मेरा ये काम कर दोगी ना तो तुम्हारा फेस्टिवल 9 दिन का होगा। और इतना ही नहीं, कलयुग में मेरे से ज्यादा तुम्हारे भक्त बनेंगे, तुम्हें बहुत सारे रूप में तुम्हारी पूजा, इसे भागवत जी में लिखा है, काली फिर हाँ चामुंडा, ये जितने भी नाम है देवियों के सब नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया आई, देवकी से उस बालक को निकाला, रोहिणी के घर में रख दिया। सुबह उठकर देवकी माता ने देखा तो बालक ही नहीं है, दुखी हो गई। पूरे मथुरा में बात क्या फैली, सब लोग कंस को गाली देने लगे। बोले अब तक तो ये क्रूर जन्म होने के बाद बच्चों को मारता था, लेकिन इस बार तो किसी तांत्रिक को बुलाकर पेट में ही मरवा दिया। बेचारा कंस तो जानता भी नहीं था क्या हुआ। लेकिन हमारे वहां एक कहावत है, नामी बनिया बदनामी चोर। बेचारा कोई चोर एक बार चोरी करके पकड़ा जाए ना, फिर गांव में जब भी चोरी होती उस चोर को हाजिरी देनी पड़ती है, भाई मैंने चोरी नहीं की। तो नामी चोर बदनामी बनिया। खैर तो ऐसा हुआ कंस का, इस बार कंस की कोई नहीं थी, स्थानांतरित कर दिया। और अब देवकी और वसुदेव, अब देवकी और वसुदेव के जीवन में एक चीज देखने लायक है, 6 बच्चे मर गए, 7वां चला गया, जीवन में इतना कष्ट इतना दुख, ये कौन जानते? देवकी वसुदेव भगवान के माता पिता। एक मैसेज तो सीधा है कि भगवान के माता पिता के जीवन में जब इतना कष्ट, तो हमारे जीवन में कष्ट आए, ये कौन सा आश्चर्य है? और हमारे जीवन में कष्ट है ही क्या? 6-6 बच्चे मर जाना, आंखों के सामने पैदा होकर वो मार देना, और हमको थोड़ी सी शर्ती होती है, हाय रे प्रभु हम मर गए हैं। मैं रामा जॉब का थोड़ा सा आगे पीछे थे, ओ ये कोई कष्ट है? भगवान के माता पिता के जीवन में कष्ट, अब कष्ट तो आने, दुख तो आने हैं, क्योंकि ये जगत ही कष्टमय है, दुखमय जगत है। लेकिन पॉइंट क्या है कि देवकी और वसुदेव के जीवन में जितना कष्ट आ रहा था, उतना भगवान के प्रति समर्पण बढ़ रहा था, ये पॉइंट है। भगवान की प्राप्ति किसको होती है? कष्ट आने पर समर्पण बढ़ रहा है कि घट रहा है? जीवन में जब दुख आए कष्ट आए तो स्मरण बढ़े, भक्ति बढ़े, समर्पण बढ़े, तो समझो भगवान की प्राप्ति होगी। और कुछ कष्ट आने पर भक्ति भी छूट जाए, मंदिर में आना भी छोड़ दे, कथा सुनना भी छोड़ दे, तो समझो अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी हम लोग नर्सरी में है, ABCD कर रहे हैं। यहां तो भगवान को बस एक ही है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी कन्हैया, तुझे मुझे दुख देने में आनंद है तो तेरे आनंद में अपना आनंद है। तू मुझे दुख दे रहा है ना, तो उसमें तुझे कुछ आनंद ही आ रहा होगा ना,
तू आनंद में है, तेरे आनंद के लिए मुझे दुखी होना भी मंजूर है। तू कितना दुखी कर सकता है? चल आज तेरी और मेरी चैलेंज लग जाए, तू कितना दुखी कर सकता है? ये रुतबा, ये मूड, ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा, मुझे अपने चरणों के नीचे दबाकर पीस दो, या फिर मुझे आलिंगन देकर खुश करो, या अपने पांव के नीचे दबाकर कुचल कर मार दो। आप ईश्वर हो, आप तो मालिक के मालिक हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेरा निर्णय क्या है कि चाहे मुझे आलिंगन देकर सुख दो या अपने पांव के नीचे पिसल दो, मैं तो सदैव आपका ही बनकर रहूंगा। जन्म जन्मांतर तक मैं आपसे ही प्रेम करता रहूंगा, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। ये भाव जब तक हम भक्तों के हृदय में नहीं आएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। देवकी और वसुदेव का ये भाव था। हमारे जीवन में भी दुख आया ही कहां है, कहां आया है? सो इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख आया, समर्पण बढ़ते गया, समर्पण बढ़ते गया। और जब दुख आने पर भगवान की भक्ति और बढ़ी और समर्पण बढ़ा, भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि ये किस माटी के बने हुए हैं, मैं इतना दुख दिए जा रहा हूं, इतना दुख दिए जा रहा हूं, और ये मेरे भक्ति कर्त किए जा रहे हैं और समर्पित हुए जा रहे हैं। भगवान हिल गए, हिल गए। हमारे यहां धरती हिलती है ना, तो इसे अर्थक्वेक, भूकंप, धरती कंप कहते हैं। लेकिन आज भक्त की भक्ति से वैकुंठ हिल गया, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। कैसे भक्त, इतनी भक्ति, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। भगवान का हिसाब कैसा है जानते हैं? हमारी माताओं जैसा है। हमारी माताएं जो है ना, घर के काम में बिजी होती है, और बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, एक खिलौना लेकर बच्चे को दे देती है। छोटे कलेजे का बच्चा होगा तो उसी में खुश हो जाएगा, लेकिन बच्चा भी उसके माथे का होगा ना, तो खिलौना ऐसे फेंक देगा, ये नहीं चाहिए मुझे, और जोर से रोएगा। तो माँ दूसरा खिलौना लेकर आएगी, बच्चे को देगी, बच्चा वो भी फेंक देगा, ये भी नहीं चाहिए, वो रोता रहेगा, तीसरा खिलौना। माँ खिलौना देकर अपनी जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन बच्चा खिलौना फेंक देता है और रोना बंद नहीं करता, तब माँ क्या करती है, अपना सारा काम छोड़कर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। भगवान का ये हिसाब है। हम जब भक्ति करते हैं ना, तो भगवान पैसे फेंकते हैं तो कुछ लोग छोटे कलेजे के उस पैसे में खुश हो जाते हैं, ओहो मैं भक्ति कर रहा था ना, मुझ पर बस भक्ति की कृपा हो गई, मतलब मेरी भक्ति का फल, ये भक्ति का फल है, ये पैसे मिलना भक्ति का, ये माया का फल है। तुम पर भगवान की कृपा नहीं हुई, माया की कृपा हुई है, अब तुम उसमें फंसोगे। लेकिन हम तो कुछ उल्टी सब उल्टी कृपा समझते हैं। लेकिन जो जो बड़े कलेजे के हो गए ना, न धनम, धन को ठुकराएंगे, फिर कोई अच्छी पत्नी तो कोई उसमें फंसेगा, लेकिन न जन्म न सुंदरी, उस बच्चे की तरह जब सबको ठुकराते जाएंगे तब भगवान सोचेंगे है? कि ये तो मेरी सब माया को ठुकरा रहा है, तब भगवान अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त के पास आ जाएंगे। ये भगवान का हिसाब है। तो भगवान ने अब सोचा कि अब इतने दुख है, फिर भी मेरा समर्पण, मेरी भक्ति, अब मुझे जाना पड़ेगा। तब भगवान कैसे आए? सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, और वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में गए, और देवकी के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आ गए। मुझे गुरु महाराज की बात याद आ रही है, बहुत सुंदर उन्होंने बात कही थी इस पॉइंट पर, कि वसुदेव के मन में भगवान थे, वसुदेव के मन से वो भगवान देवकी के मन में गए, राइट? तो वहां पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर कहा था,
जो सच्चे संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, उनका एक्चुअल कृपा, उनकी एक्चुअल कृपा, एक्चुअल लाभ उनका क्या है? उनके मन में जो भगवान है, उनके दिल में जो भगवान है, वो भगवान हमारे मन में, हमारे दिल में आ जाए, वो असली कृपा है। हम लोग तो बस इसी में फंसे, गुरुजी सिर पर हाथ रख दीजिए, हमारा काम धंधा ठीक से चल जाए। गुरु जी की असली कृपा क्या है? क्योंकि गुरु के हृदय में तो भगवान नाचते हैं, खेलते हुए भगवान है। तो जैसे वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में भगवान गए, वैसे गुरु अपने मन में, अपने चित्त में जो हरि है, वो अपने शिष्य के हृदय में समर्पित करता है और उसके हृदय में भगवान प्रकट होता है। और माँ देवकी के हृदय में भगवान कृष्ण आ गए हैं, तो अब देवकी के हृदय में भगवान को रहने देते हैं। कल भगवान प्रकट होंगे, कल कृष्ण के जन्म की लीला और कल नंद उत्सव का फेस्टिवल हम सब लोग यहाँ पर मनाएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कल रविवार है। रविवार का अर्थ जानते हो? ये अंग्रेजों ने बाकी सब कुछ जो भी किया, ये वार का नाम बहुत अच्छा रखा। रविवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितना परफेक्ट रखा। रवि माने सूर्य, सूर्य का वार, संडे, सन माने सूर्य, सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। ये रविवार जो बना है ना, ज्ञान के लिए बना है। किसके लिए? और हम लोग रविवार को यूज करते हैं अज्ञान के लिए, टीवी देखना, ये देखना, हमारा पूरा रविवार का जो प्रोग्राम है वो अज्ञान का ही होता है एक्चुअल रविवार, क्योंकि बाकी के दिनों में तो काम धंधा वो सब माया में जाना ही पड़ता है। तो एक्चुअली रविवार का दिन जो है स्पेशल ज्ञान के लिए होता है ना। तो कल रविवार है, कल आप सब अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्र मंडलियों के साथ, और इस हॉल में और भी थोड़ी चेयर और जगह है, तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल, आपके जो भी मित्र समाज मंडली, सबको लेकर आइए। अशोक जी ने तो यहाँ भंडारा खोल दिया है, सबके लिए सब कुछ व्यवस्था है। आमंत्रण नहीं है, क्या है इनका? यस। तो आप सब लोग आइए, अपने परिवार जनों को, मित्र समाज को लाइए, अपने आप को धन्य कीजिए और सबके ऊपर ये कृपा कीजिए। कल भगवान का जन्म है। संसार में किसी साधारण बालक का जन्म होता है तो हम कितने अच्छे नए नए कपड़े पहन कर जाते हैं, कितना कुछ है। तो जब भगवान का जन्म है तो आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, है ना। तो कल सज धज कर तैयार होकर कल रास गरबा नाचेंगे गाएंगे, उत्सव फेस्टिवल। कल भाई प्रसाद भी थोड़ा अच्छा ही रखिए, टॉप क्लास टॉप क्वालिटी का प्रसाद रखिएगा, तो क्योंकि कल फेस्टिवल है, जन्म है। सो तो कल उत्सव मनाएंगे, जन्म कराएंगे हाफ सेशन में और फिर लीला है सुनेंगे, ठीक है। तो आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। टाइम हुआ है, हमारे पास 5 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो माइक आपके पास आ सकता है, आप पूछ सकते हैं, या फिर हम आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण श्री कृष्ण चंद्र भगवान जगत गुरु श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल गोविंदपुर जी का, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कारण और ये सुंदर लीलाएं आज हम सबको इस प्रथम दिवस के सत्र में श्रवण करने को मिली। और हमने ये भी सुना कि कितना सुंदर आयोजन है, हमारे अशोक प्रभु और माता जी ने जो बहुत सुंदर आयोजन किया है, जिसमें अनेकों लोग वहाँ पर
फिजिकली पहुँचे हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं इस कथा को श्रवण करने हेतु, तो वे वास्तव में बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु उतने ही धन्यवाद के पात्र आप सभी भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत में इतना समय हो चुका है, आप भी अपने अपने स्थान पर पिछले 3 घंटे से इस सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। सिमिलरली ऑल क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। और हम महामंत्र उच्चारण करते हुए हमारे इस ग्रेस लाल गोविंदव जी का, जिन्होंने इतनी अद्भुत कथा हम सबको श्रवण कराई, और साथ ही साथ हमारे अशोक अग्रवाल प्रभु जी जिन्होंने यह सुंदर आयोजन किया, जिससे कि बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर फिजिकली पहुँच गए हैं इस कथा को सुनने, और उन सबके लिए सुंदर व्यवस्था की, और साथ ही साथ हम सब भक्तों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की कि हम भी घर पर बैठ कर इस कथा को श्रवण कर सकें। आइए महामंत्र उच्चारण करते हुए अभिवादन करेंगे श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का एवं हमारे यजमान परिवार अशोक प्रभु अग्रवाल परिवार का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णम। और साथ ही साथ समस्त वैष्णव वृंद का धन्यवाद कि आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ में यहाँ पर इस कथा को श्रवण किए। इसी प्रकार हम आने वाले दिनों में आने वाले 6 दिन कथा श्रवण करेंगे, साथ में बैठकर यह कृष्ण कथा महिमा श्रवण करते हुए इस कथा को सुनेंगे। और उसके बाद ठीक जैसे प्रभु जी ने कहा, आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर भागवत कथा हम सुनेंगे, जो कि होगी शिक्षाष्टकम पर, और बहुत अद्भुत वह कथा होने वाली है। आने वाली 25 तारीख से लेकर 31 मार्च जो कि वो कथा होने वाली है, और बहुत सुंदर उस कथा के दौरान भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का जन्मोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे, उनका यू नो अपीयरेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी वैष्णव से निवेदन है कि आप सब उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य बनाएगा। और इस कथा की विशेषता और भी यही है कि हम जैसे देखते हैं कि जैसे हम जन्माष्टमी के दौरान हम देखते हैं, पिछली जन्माष्टमी हमने 11 दिन का एक फेस्टिवल किया था, जिसमें बहुत सुंदर हमने 11 दिन की कृष्ण कथा सुनी थी। और उस कथा में हमने देखा था कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई वैष्णव एक एक दिन स्पॉन्सर किए थे, कोई 2 दिन स्पॉन्सर किए थे, इस प्रकार उस कथा का आयोजन हुआ था। तो इस बार भी श्री गौर पूर्णिमा के उपलक्ष में हमने ये सुंदर आयोजन किया है कि आने वाली ये 7 दिवसीय कथा, जिसमें हम प्रत्येक दिन कोई एक वैष्णव उस दिन को अपने परिवार की अपनी फैमिली की ओर से स्पॉन्सर करेगा, उस कथा को आयोजन करेंगे। और शिक्षाष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन है उस दिन 25 तारीख को भारत में, और उसी दिन से यह कथा प्रारंभ होगी और हम सब से घर बैठे सुनेंगे, और साथ ही साथ भगवान के इस दिव्य अभिषेक महोत्सव में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आने वाली 25 तारीख जो कि भारत में श्री श्री गौर पूर्णिमा है, और इस गौर पूर्णिमा में हम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य अभिषेक महोत्सव करेंगे, और साथ ही साथ आने वाले 7 दिन लगातार ये शिक्षाष्टकम के ऊपर सुंदर कथाएं श्रवण करने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब इसमें बने रहिएगा और आमंत्रित कीजिएगा अपने स्नेहीजनों को, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में ये जो शिक्षाष्टकम एक ऐसा ही शिक्षाष्टकम ही दिया है हमको, जिसमें कि भक्ति का सार और भक्ति की अवस्था सब कुछ इसमें वर्णन आता है, इसकी संख्या इसकी व्याख्या में। तो ऐसा सुंदर शिक्षाष्टकम भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, और उस शिक्षाष्टकम की व्याख्या हम प्रभु जी के श्रीमुख से करेंगे आने वाले दिनों में। आप सब इसमें अवश्य उपस्थित रहिएगा, और यदि आप चाहें तो आप इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप भगवान के श्री अभिषेक महोत्सव में भी सम्मिलित हो सकते हैं, और भगवान श्री श्री गौर निताय का दिव्य अभिषेक महोत्सव में पार्टिसिपेट करके आप इस सेवा में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंद गौशाला में हमें एक बार फिर से अवसर प्राप्त होगा कि हम गौ मैया की सुंदर सेवा करें। तो आप सब इसमें भी ज़रूर सम्मिलित होइएगा। हम आशा करते हैं कि आप आने वाले दिनों में हम इस प्रकार साथ में मिलकर ये सुंदर महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए अब हम खड़े होकर श्रीमद् भागवतम की आरती करेंगे, कीर्तन करते हैं, और इस दिव्य सत्र को जिसको हमने आज रसास्वादन किया उसको स्मरण करते हुए आज की इस कथा को हम यहाँ पर विराम करेंगे। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। भागवतम आरती
So everybody can stand up, and whoever the ayojak, please come in the front. अति पावन पुराण की आरती, अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण मथनि त्रिताप निवारिणे कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे सेवत सतत सकल कारिणी देवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकाशिने विमल विराग विवेक विकाशिने भगवत तत्व रहस्य काशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन मुनि मन उल्लासिने परमहंस
सिनी किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे आ हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम दे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा रे घन श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा रे घन श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हो आगे आके आगे आकर राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा तेरा श्याम हमने देखा आ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा रास रचा
तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, श्याम हमने गोकुल में देखा। माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए के राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्णचंद्र भगवान की जय।